Hello, 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 hello. Hi, hi, hi. This is Venki and you're watching Draw with Atma. Thank you so much for tuning in, all you amazing, lovely, creative people. Thank you so much for joining. मैं comments में देखना चाहता हूँ यार. How are you guys? Tell me how you guys are. Countdown चल रहा है. Just let me know if you are able to hear me, if you are able to see me. Everything is good. Type yes in the comment section. Everything is good. Yes, yes. Type करिए YESSSS बहुत सारे. आवाज़ सब कुछ सही है. I hope everything is good. I am from Bangladesh. Hi, thank you so much for joining in. Tasneem, Iftikhar, Parsa. Anybody who is new here, this is Draw with Atma and हम लोग इस चैनल पर डिजिटल पेंटिंग और डिजिटल आर्ट करते हैं और आज हम बनाने वाले हैं क्यूट क्यूट कैट इलस्ट्रेशंस. आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को कैट्स पसंद है, बिल्लियाँ आपको बहुत प्यारी लगती हैं, तो आज हम इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं कैट्स की और मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इन अ वेरी इजी पीजी मैनर कैसे आप कैट इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं. आज हम आईबिस पेंट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे. अगर आपके पास आईबिस पेंट एप्लीकेशन मोबाइल में नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए. आप फिंगर से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट अगर आप एक स्टाइलस यूज़ करेंगे तो इट विल बी मच बेटर. अगर आपके पास आईपैड है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम सीइंग ऑल द कॉमेंट्स. लेट मी से हाई टू यू गाइज. पहले तो मैं हाई कर देता हूँ यार, मतलब मैं क्या ही कहूँ, अभी 100K रीच करने वाले हैं होपफुली इन द नियर फ्यूचर. बहुत ही जल्द शायद हमारा 100,000 हो जाएगा. आई कैनॉट टेल यू गाइज, मेरे को यार यकीन करने में दिक्कत होती है कभी कभी कि यार एक डेढ़ महीने पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पर हैं, विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल. एंड आप में से कई लोगों ने बोला कि नॉइस का प्रैंक चल रहा है. मुझे 100% पता है कोई तो नॉइस कर रहे हैं कमेंट्स में. मुझे पता है पक्का कोई प्रैंक चल रहा है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था यार कि आप लोगों ने बोला था कि 100K पे कुछ स्पेशल करना है, सो कुछ स्पेशल चाहिए. तो आई थिंक आज की स्ट्रीम को रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ लाइक्स पर पहुँचाना पड़ेगा. अगर आज का स्ट्रीम रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ लाइक्स पर पहुँचा तो शायद 100K पे कुछ हो जाए. आप लोग को कुछ स्पेशल चाहिए ना, सो आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग. Why don't you go ahead and like the stream? अगर आप लोग excited हो आज की stream के लिए तो type excited in the comments. मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आप excited हो. Excited D D D D D बहुत सारे D's के साथ. I want to see and I'll be reading the comments in the meantime. AHP gamer, I'm good. Thank you so much for joining. Supen Vishwakarma, Vinod, आपको भी Vinod. Please react to my channel Incredible Colors. I will do sometime whenever I get time. यार मैं करूँगा. पंजाबी तड़का, shout out to you. मितुल ममता गर्ल डी 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 आ रहा है, बट एक्साइटेड भी पूरा वर्ड लिख दो यार. के एम द मेगा गेमर, एक्साइटेड. ऑल दी एक्साइटेड्स कमिंग इन. अमेजिंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन वंस अगेन. आज हम लोग बिल्लियाँ बनाने वाले हैं. इससे पहले हमने मच्छी बनाई थी, क्यूट फिश इलस्ट्रेशंस किया था, हमने जेली फिश बनाया था. आई होप यू गाइज लाइक दैट. एंड वैसे ही स्टाइल में बहुत ही सिंपल तरीके से हम करने वाले हैं, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू फॉलो अलॉन्ग. मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगा और आप लोग भी अपना एप्लीकेशन तैयार रखिए. लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड अगर सब कुछ सही है तो ओके टाइप करना इन द कॉमेंट्स. ओके, लेट मी गो हेड एंड कैमरा प्लस आई पैड. लेट सी एवरीथिंग इज वर्किंग गुड. इज एवरीथिंग वर्किंग गुड? वेट, लेट मी चेंज दिस. हाउ अबाउट नाउ? एवरीथिंग इज गुड? सुनाई दे रहा है आप लोग को? आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड यू गाइस आर एबल टू हियर. ओके आ रहा है, वॉइस भी आ रही है, सब कुछ दिख रहा है, मैं नज़र आ रहा हूँ. नीचे एक स्पीड पेंटिंग चल रही है. अच्छा, हुएवर डजंट नो, जो नीचे वीडियो चल रही है यार वो स्पीड पेंटिंग है, पहले बनाए हुए आर्टवर्क्स का वो रिप्ले है ना. ये अभी नहीं बना रहा हूँ मैं. जो बड़ा स्क्रीन नज़र आ रहा है साइड में, उस स्क्रीन पर हम आज का आर्टवर्क बनाने वाले हैं और आज हम बिल्लियाँ बनाने वाले हैं जैसे मैंने बोला था आप लोगों से. लेट्स होप कि मेरी बैटरी है यार फोन लाइक टैबलेट में. आई होप देयर इज़ सम बैटरी. आई होप सब कुछ सही चलेगा. इनकेस कोई दिक्कत हो जाए तो संभाल लेना, आप लोग संभाल लेते हो एवरी टाइम. तो लेट अस गो अहेड क्विकली स्टार्ट ऑफ. मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे आप बिल्ली आर्टवर्क बना सकते हो वो दिखाना चाहता हूँ. सबसे पहले तो यार हम आईबिस पेंट में एप्लीकेशन में हैं और देखो सबसे पहली बात आपको ये बिलीव करना है कि जो भी चीज़ हम करेंगे उनको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं. यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ को आप बनाना चाहते हो, जो भी आप नीचे देख रहे हो आर्टवर्क, उसको भी देखो कि अगर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसको छोटे से छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो. अगर आपने किया देन यू विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स ईजिली एंड दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. कोई भी बड़ी सी बड़ी टास्क करना चाहो ना यार, उसको देख के डरना नहीं है, ठीक है. slow and steady, एक एक स्टेप करके, and then you will be able to do it much easily. Okay, so सबसे पहले तो 4x3 का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है मैंने यार. अगर साउंड ज़्यादा आ रही है मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ थोड़ा, अगर म्यूज़िक ज़्यादा हो रहा है तो, है ना. 4x3 साइज़ का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है. उस डॉक्यूमेंट पर जो आप अभी लेयर देख रहे हो तो वो एक लेयर है जिस पर मैं बनाने वाला हूँ. अगर आपको आईबिस पेंट एप्लीकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप जाकर आईबिस पेंट के ट्यूटोरियल्स और हैं चैनल पर, वो देख सकते हो. सबसे पहले मैं एक सिंपल सी क्यूट सी किटी कैट बनाने वाला हूँ. वाई डोंट यू गाइज टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन कैट्स आर ऑसम बिकॉज. मैं आपके रीजन्स पढ़ना चाहता हूँ. कैट्स आर ऑसम बिकॉज उसके आगे आप कंप्लीट करिए, मैं देखना चाहता हूँ. और मैं कुछ फ़नी रेस्पॉन्सेस अगर आएंगे तो उनको रीड आउट करके आपको शाउट आउट दूंगा. कैट्स आर ऑसम बिकॉज, जस्ट गो हैड एंड टाइप इट. इन द मीन टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रश पिक करता हूँ. लेट मी गो हैड एंड पिक द गॉश ओपैक ब्रश. मेरे को मतलब वो ब्रश से काम करने में मज़ा आता है यार. दैट ब्रश इज़ नाइस, सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड. Cats are so cute. Somebody is saying cats are so cute. That was Dimple Sparks. Thank you for telling me that. Obviously, यार they are very very cute. यार जो हरकतें करती हैं ना बिल्लियाँ. There is a friend of mine who was talking about her cat and how she feels that it's like a human. मतलब वो इंसान जैसी हरकतें करता है and बातें करता है. Like he not only makes noises, ऐसे लगता है जैसे कि वो बात कर रहा है. Cats are awesome because they are too cute. रिड्यूस बीप नॉइस. यार बीप नॉइस आ रही है क्या? कुछ नॉइस आ रही है क्या? हेलो, नॉइस नहीं आ रही है ना? हेलो हेलो, इज इट बेटर नाउ? आई होप दिस इज बेटर. तो देखो मैंने एक पिंक कलर ले लिया है. आई वी सेड विल मेक क्यूट कैट्स, तो मैं एक पिंक कलर ले रहा हूँ सबसे पहले. और सबसे पहले जाकर आप एक ऐसा शेप बनाइए हेड के लिए. देखो एक एक स्टेप मैंने बोला, वन स्टेप एट ए टाइम वी विल डू. स्टार्ट विथ दिस शेप. This is like a basic shape for the head, okay? है ना, मैं चैट पढ़ रहा हूँ यार. They do पागलपंती. पागलपंती ज़रूरी है बॉस. पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या मतलब है यार. Like everybody, अब सबको संत बन के बैठे रहना है. हाँ, बिल्लीज आर लाइक एब्सोल्यूट पीक ऑफ पागलपंती. आई हैव सीन सम क्रेजी क्रेजी वीडियोज ऑफ कैट्स जो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी आपको, जिसमें वो कहाँ पता नहीं यार. कैट्स आर ऑल्सो लिक्विड्स बाय द वे. कैट्स आर लिक्विड्स, डू यू अग्री? If you agree then type agree, because cats यार किसी भी कोने में घुस जाते हैं, किसी भी डब्बे में फिट हो जाते हैं, किसी भी बॉटल में फिट हो जाते हैं. तस्मीन इफ्तिकार is saying you are my idol. यार thank you so much man, this is all really really special. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो अभी. सबसे पहले तो मैंने फेस के लिए एक ब्रॉड सा शेप बना लिया, ओके? जो हेड है उसके लिए एक शेप बना लिया. उसके ऊपर मैं दो ऐसे ईयर के शेप्स बना रहा हूँ. गो हेड एंड डू दिस, गो हेड एंड डू दिस. इसके ऊपर हम अलग अलग लेयर्स पे कलर ऐड करेंगे. मतलब अलग लेयर्स का मेरा मतलब ये नहीं कि हम लेयर्स बनाएंगे. एक चीज़ मैं आज आपको बता दूं कि आज मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूँ चीज़ों को. वी आर गोइंग टू कीप थिंग्स ईजी पीजी, लाइक वी ऑलवेज से ईजी पीजी तरीके से बनाएंगे. तो मैं इसको पूरी तरह से एक ही कलर कर रहा हूँ अभी, और मैं इसी लेयर पर आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा. आई डोंट वांट यू गाइज टू रियली बी वरीड अबाउट कि लेयर क्या है, क्लिपिंग क्या है, क्लिपिंग मास्क क्या है. वो सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल सिंपली बी एबल टू गो अहेड एंड कंटिन्यू विद दिस. जो मैंने अभी ईयर्स बना लिया अभी इसके, और एक हेड का एक शेप बना लिया, ठीक है? इसके बाद हम बॉडी के लिए भी एक शेप बनाएंगे. रिमेंबर whenever you are trying to create any form, form यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल होता है, उसको सबसे पहले आपको उसका शेप चॉक आउट करना ज़रूरी है ना? तो आपको शेप पहले पकड़ना ज़रूरी है कि उसका ब्रॉड शेप क्या है. अगर आपने शेप अच्छे से पकड़ लिया उसके बाद उसमें आप शेडोज़ और हाईलाइट्स और ये सारी चीज़ें करोगे. कैट्स आर ऑसम बिकॉज दे आर लाइक आत्मा. इसका क्या मतलब है? मतलब आत्मा भी पागल है, कैट्स भी पागल हैं. That was a bad one. Oh by the way, इस चैनल पर हम लोग आर्ट प्रॉबली अच्छी करते हैं लेकिन जोक्स गंदे मारते हैं. आई कैन टेल यू दिस मच दैट बहुत सारे गंदे जोक्स आने वाले हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो बॉडी के लिए ऐसा एक शेप बना दिया मैंने. ब्रश नेम इज गॉश ओपाक. हाँ, एनीबडी हु वांट्स टू नो द नेम ऑफ द ब्रश, इट्स गॉश ओपाक और ओपेक. आई कीप सेइंग ओपाक ओपाक, आई डोंट नो व्हाई. बट पहले शेप ऐसा बना लिया हमने, हेड के लिए एक शेप बनाया, बॉडी के लिए एक शेप बनाई. अब हम एक टेल भी ऐड करेंगे इसमें, ऐसे. गो हेड एंड ऐड दिस टेल. यार मैंने सीरी को बंद करना मैं वापस से भूल गया, अभी वापस से जाग गया है। तब तक कमेंट्स पढ़ लेता हूँ मैं। डिड यू सॉ माई डिजिटल आर्ट प्लीज टेल? येस क्रिश सालियान, आई सॉ योर आर्ट वर्क। है ना, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कर दिया। नाउ इस बॉडी के शेप के अंदर वी विल रिफाइन एंड डिफाइन अदर पार्ट्स, बाकी सारी पार्ट्स भी हम डिफाइन करेंगे। गाइज 172 लाइक्स पर हैं, मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ, अगर इस स्ट्रीम पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ लाइक्स हो जाएंगी तो हम शायद कुछ स्पेशल कर पाएंगे 100,000 सब्सक्राइबर्स रीच करते समय। ओके 181 पर है राइट नाउ, डू नॉट फॉरगेट, गो अहेड लाइक इट। अब तक इजी पीजी है, चंदन खत्री सिंह इजी पीजी अमेजिंग। ठीक है, तो इसके बाद साइड में थोड़ा सा ऐसा शेप और निकाल लिया मैंने। अब इसमें मैं और चीज़ें ऐड करते करते इसे रिफाइन करूँगा और आप देखोगे कैसे बिल्कुल इजी पीजी तरीके से हम इसे कम्प्लीटली एक बिल्ली में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी शायद लग रहा है देयर इज अ बॉडी का शेप एंड एवरीथिंग बट यू डोंट नो वेयर व्हाट इज, है ना। यहाँ तक हो गया, अब जाकर एक पार्ट पे, एक सेकेंड, इसके ऊपर एक लाइटर कलर लेकर, एक लाइटर कलर लेकर इसके ऊपर ऐसे और एक शेप बना दो, है ना। यू कैन टेक इवन लाइटर में भी, इवन लाइटर, एंड ऐसा एक शेप बना दो इसके ऊपर। ठीक है, मैं यार मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आर्टवर्क खुद भी बनाते हो और इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो। मैं काफ़ी लोगों को इंस्टाग्राम पे शाउट आउट भी देता हूँ। इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और आप लोग अपना आर्टवर्क जो बनाते हो वो मुझे भेज सकते हो उस पर। देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि कैसा लग रहा है और मैं शाउट आउट वगैरह भी देता रहता हूँ। सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। यस, यहाँ तक पहले माउथ का पार्ट जो है ना उसके लिए एक शेप हमने बना दी और बॉडी के नीचे के लिए, सॉरी, गो अहेड पिक द कलर अगेन एंड उसके नीचे वापस से ऐसे ऐड कर दिया एक और कलर जो बॉडी के बीच में होता है ना, उसके जो अंडर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है बिल्ली के, वहाँ पर ऐसे कलर कर दिया। ठीक है, टिल नाउ इज इट इजी पीजी गाइस? आई वॉन्ट टू सी ईजी पीजी इन द कॉमेंट सेक्शन। वाई डोंट यू टाइप ईजी पीजी? अगर अब तक ईजी है, अब तक ईजी है तो इसमें अभी आँखें आएंगी यार, क्यूट सी आँखें आएंगी। विल डू दैट इज वेल। लेट मी रीड द कॉमेंट्स इन द मीन टाइम। हेलो सर, द वीडियो ऑफ विच रिक्रिएटेड मिथपैट वॉज अमेजिंग, मिथपैट शुड डेफिनेटली वॉच दैट। मिथपैट इफ यू आर ऑन द चैनल गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। अच्छा लगा मुझे काम करते हुए एंड इट वॉज रियली फनी काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई डिड विद द आर्टवर्क, सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक्स फॉर सेइंग दैट। इजी पीजी आ रहा है कॉमेंट्स में। KM मेगा गेमर इज सेइंग इजी पीजी, पंजाबी तड़का इज सेइंग इजी पीजी, शिमर रोज इज सेइंग इजी पीजी अमेजिंग, थैंक यू सो मच। राजेश गुप्ता इज सेइंग इजी पीजी। सुदीप वांगा वनागे, हाय, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। या जगदीप सिंह इज सेइंग सर iPad गिफ्ट कर दो। नहीं दूंगा मैं, ये वाली तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे पास एक ही है, मैंने पहले भी बोला हुआ है बहुत प्यारा है मुझे, मैं नहीं दूंगा ये। एनीवेज मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, let me go ahead and now start to add some eyes to this character, okay? अब तक हमने eyes नहीं बनाई हैं इनकी, तो eyes बनाएंगे बिल्कुल easy तरीके से बनाएंगे। अभी भी जो भी body पर अभी shapes बनी हुई हैं उसके ऊपर let's go ahead add some circular shapes like this। आप लोग देख पा रहे हो? I hope you're able to see this and I hope you're able to follow along। दो आँखों की shapes बना दी हमने अभी। Yes, please say Chinmay, hi Chinmay, easy peasy, yes, easy peasy। Last time किसी ने इसका बहुत ही खराब ट्रांसलेशन किया था, which is what? आसान मटर। मैंने बोला था गंदे जोक्स होते हैं यहाँ पर। Anyways, इसके अंदर मैं आइस के लिए आई बॉल्स भी ड्रॉ कर रहा हूँ। अब साथ में करते जाओगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी टू मच एंड यू विल बी एबल टू डू इट ईजिली इफ यू आर डूइंग इट ऑन पार विथ मी। मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ साथ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आसानी से बन जाएगा। आंखों के अंदर आई बॉल्स भी ऐड कर दी ऐसे डार्क कलर लेकर। ओके, नाउ इसके एजेस पर लेट मी सी, गुआश ओपेक में गुआश मिक्स, लेट्स हाउ डज इट वर्क। नो गुआश मिक्स नहीं, गुआश ओपैक 2 ले लेता हूँ। ओके, लेट मी ट्राई विद दिस। इस तरह की लाइंस बनाते हैं आइस के कॉर्नर में, है ना, आइस के कॉर्नर में इस तरह की लाइंस बनाते हैं। अगर ये बहुत लाइट या फेंट बन रहा है तो वी कैन गो हैड एंड डू दिस ऑन अ डिफरेंट लेयर ऑल्सो। अगर डिटेलिंग के लिए एक और लेयर जाना पड़े तो एक और लेयर बना सकते हैं। देखो यहाँ पर एक प्लस का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो एक नया लेयर बन जाता है। नया लेयर का मतलब उसके ऊपर एक और लेयर है ना। तो नाउ लेट मी गो हैड एंड ऐड आई लैशेस ऐड करते हैं इस बिली मौसी के। यस गाइस, अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो एडवांस चीज़ें सीखने में, आर्ट में, डिजिटल पेंटिंग वगैरह में, तो यू गाइस कैन जॉइन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेरी आर्ट प्रोग्राम के बारे में है। उसमें मैं बहुत मतलब इससे आगे काफ़ी एडवांस आर्टवर्क्स जो आप नीचे भी देख रहे हो, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होगे, नीचे जो दिख रहा है वैसे आर्टवर्क्स बनाने में आपको इंटरेस्ट है और यू वांट टू लर्न मोर इन डेप्थ स्टफ, देन यू कैन कम एंड अंडरस्टैंड कि आर्ट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको समझने को मिलेंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन कनेक्ट एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द डिटेल्स। जो भी प्रोग्राम के बारे में चीज़ें हैं वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सेशन में। 24th को हो रहा है यार, 24th को सेशन हो रहा है और आई थिंक ऑलमोस्ट 700 पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड उसके ऊपर। और जितने लोग भी आना चाहें, आई एम मोर देन हैप्पी एक्सप्लेनिंग द एंटायर थिंग। आप लोग सीख पाओगे या फिर जान पाओगे कि क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू शुड डेफिनेटली अटेंड दैट सेशन, लर्न व्हाट इज़ देयर, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन टीच यू, क्या क्या सीखना है आपको, क्या क्या चीज़ें जान सकते हो, है ना। आर्ट फंडामेंटल्स क्या होती हैं, कैसे आप कॉम्प्लिकेटेड आर्टवर्क्स बना सकते हो, है ना। फ्लिपा क्लिप वो क्या होता है? देखो मैंने इसकी एक मुंह का एक शेप बनाया हुआ है, इसके जस्ट लाइक द माउथ का जो सामने का पार्ट होता है ना, उसके लिए एक सिंपल सी ऐसे शेप बनाई है W के साथ, है ना। आज का वीडियो देखा आप लोगों ने, एक वीडियो बनाया था एक्चुअली, आई जस्ट पोस्टेड सम टाइम बैक। अगर इसकी मुंह का शेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे तो मैं इसको जाके थोड़ा सा ऐसे कट आउट करके रिफाइन कर देता हूँ, इसको एरेज कर देता हूँ यहाँ से, जस्ट टू मेक इट लुक नाइसर। शेप अगर ठीक नहीं लग रहा है तो, है ना। आशीष चंचलानी सर प्लीज़ ट्राई आशीष चंचलानी वंस। आशीष चंचलानी का आर्टवर्क यू आर सेइंग, क्या बनाना है उनको बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ ना मैं रेगुलर आर्टवर्क तो सीधे सीधे पोर्ट्रेट या फिर तो बना नहीं रहा हूँ चैनल पर। अगर आशीष चंचलानी को कुछ बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? ये लगा रियली फनी गाय वैसे। लुकिंग लाइक अ वुल्फ। हाँ रुक जाओ अभी इसको कंप्लीट कहाँ किया है हमने। इसके ऊपर है ना। नाउ वी आर गोइंग टू गो हेड एंड ऐड जो बॉडी पे पैटर्न्स हैं या फिर बॉडी पे जो भी डिटेल्स ऐड करनी है वो ऐड करते हैं। तो मैंने जो पिंक है उसी कलर को वापस से पिक किया है, ओके। पिक करके डार्कर कलर लेकर, यहाँ तक आप लोग कर रहे हो गाइस। हुएवर हैज़ फिनिश्ड टिल हियर डन टाइप करिए। आई वांट टू सी डन इन द कमेंट्स अगर यहाँ तक आपने कर लिया तो। अच्छा, फ्लिपा क्लिप इज अ ड्राइंग एंड एनिमेशन ऐप, मैंने नहीं यूज़ किया यार, मैंने नहीं यूज़ किया है। आई विल चेक दैट। ओके सो अभी आपको बॉडी का एक शेप और वो सब कुछ दिख रहा है। 210 लाइक्स हो गए गाइस, थैंक यू सो मच। यू गाइस आर ऑल सो सुपर स्वीट, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। अभी जाकर मैं लेग्स के लिए शेप्स रिफाइन कर रहा हूँ, है ना। लेग्स के लिए शेप डिफाइन कर रहा हूँ, देख रहे हो धीरे 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 बिल्ली मौसी की शेप बनती जा रही है और वो धीरे धीरे स्टार्टिंग टू लुक लाइक अ कैट, किटी कैट, है ना। ये सारा कुछ एक डिफरेंट लेयर पे मैंने किया हुआ है। ओनली थिंग वी डिड इज एडेड वन लेयर जस्ट बिकॉज वो गवाश ओपैक ब्रश जो है ना उसके ऊपर वापस से पेंट करने पे उतना क्लीन नहीं बन रहा था। सो आई मेड अनदर लेयर एंड आई एम जस्ट एडिंग दीज स्मॉल एज डिटेल्स, है ना, जिससे आपको शायद अभी नजर आ रहा होगा क्लियरली। ओके बॉडी की डिटेल्स ऐड कर दी हमने। अब जाके आपको शायद दिख रहा है कहाँ पे लेग्स हैं, कहाँ पे टमी है उसकी। लेट्स गो हेड एंड रिफाइन द टेल ऑल्सो। टेल के ऊपर भी थोड़ा और डिटेल ऐड करता हूँ मैं, है ना। डू यू लव कैट्स? आई हैवेंट हैड अ पेट। वैसे बचपन में घर पे काफ़ी सारी बिल्लियाँ घूमती रहती थी, बट वो ऐसे पेट नहीं थी, मतलब घर में यू नो हाउ वी यूज टू लिव इन अ रेलवे क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे हम लोग, वहाँ पे बिल्लियाँ होती हैं ना, हाउस कैट्स जो होती हैं, जो एक घर से दूसरे घर के बीच घूमती रहती हैं, वैसी बिल्लियाँ थी हमारे वहाँ. सो वन थिंग आई रिमेंबर इज़ आई यूज टू सी कैट्स रनिंग बिहाइंड माउस. अगर घर में कोई बिल्ली वो चूहा आ जाता था ना, उसके पीछे भागती थी वो. लाइक इट वॉज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी बचपन में देख के कि कैसे हंट करती हैं यार ये एकदम कूल तरीके से. सो या अभी मैं बॉडी पे इसके कुछ पैटर्न्स भी ऐड कर रहा हूँ. जस्ट दैट डार्कर कलर जो मैंने लिया था ना, उसी से कुछ कुछ पैटर्न्स ऐड कर रहा हूँ. आप लोग भी ऐसे ऐड कर सकते हो जैसे कि इसकी बॉडी पे थोड़ा सा और डेफिनेशन आ जाए. Just like we can make Beast Boy as Dolphin, we can make Trigu as Godzilla or King Kong. Trigu को King Kong बनाना है. Trigu यार it's such a nice and cute guy and उसको King Kong बनाना है आपको. क्यों करवाना चाहते हो ये अत्याचार मुझसे? मेरे हाथों करवाना चाहते हो ये. अगर निश्चय ने कभी वो देखा he'll hate me कि मुझे ऐसा क्यों बनाया तूने. I don't want that to happen. Guys 100K के लिए यार there is I'm again मैं काफ़ी excited हूँ. अगर जल्दी अगर 100K हो जाएगा तो आप लोग के साथ बहुत सारी interesting updates शेयर करने को मिलेंगी. मैं बोलना चाहता हूँ वो सब चीज़ें अभी, लेकिन सस्पेंस मेंटेन करना भी थोड़ा ज़रूरी है ना. जब आएगा तब तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है. तो देखो बॉडी के ऊपर और डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐसे पैटर्न बना रहा हूँ. बेसिकली सिंपल है यार, सेम गोवा शोपेक ब्रश लिया हुआ है, उससे मैं ऐसे करके कुछ शेप्स ऐड कर रहा हूँ जिससे इसकी बॉडी पे ऐसा लगे कि कुछ यू नो धारियाँ हैं जैसे होती है ना बिल्ली की बॉडी के ऊपर, दैट काइंड. यस डेली लाइव आना प्लीज, हृदय गेमिंग इज सेइंग. मैं आना चाहता हूँ यार कि बहुत लाइक और भी काम होता है, कुछ कुछ चलता रहता है. सो अभी तो मैं लाइक हफ्ते में 2 दिन कर रहा हूँ. आप 2 दिन तो अच्छे से सीख सकते हो मुझसे. और ये रेगुलर होपफुली अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो होपफुली हर हफ्ते 2 बार हम सेशंस करेंगे और आप सीख पाओगे मुझसे. और मैं वही कह रहा था आप लोगों को, मैं वो उसका ओवरले भी लगा देता हूँ यार, एक्चुअली वो मिस हो गया आई थिंक. लेट मी डू दैट. अगर आप लोगों को मुझसे सीखना है लाइक मोर एडवांस स्टफ या फिर और डिटेल में आप सीखना चाहते हो, जो भी आर्टवर्क्स आप देखते हो चैनल पर मैं करता हूँ वो चीज़ें अगर सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में जाकर आप अपना डिटेल्स ऐड कर सकते हो. जहाँ पर आप लोग मतलब उस सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेरे आर्ट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आप मुझसे सीख सकते हो. लेट मी ऐड समथिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मैं देख रहा हूँ ये जो मैं भूल जाता हूँ यार ये हर बार. इफ़ इन केस एनीबडी न्यू कम्स इन तो उनको पता चल जाना चाहिए. तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है यार, आई होप है. अगर नहीं है तो बता देना मुझे, तो वो भी ऐड कर दूंगा मैं. लेट मी जस्ट चेक दैट ऑल्सो इन केस, जस्ट इन केस अगर मैंने मिस कर दिया है तो आई हैव टू बी श्योर कि कोई किसी को. मैं नहीं चाहता यार कि देखो ऐसा हो जाता है कि आर्ट प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर पाना, अगर एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा. इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सेशन ही कर दूँ जहाँ पर आपको प्रॉपरली एक बार मैं अच्छे से समझा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हुएवर इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ अटेंड दैट सेशन एंड उसमें मैं सब एक्सप्लेन करूँगा आपको. लेट मी जस्ट सी. वो लिंक मैं यहाँ पे पिन भी कर सकता हूँ ना, पिन लिंक में. आई थिंक आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो. आई थिंक मैं पिन कर सकता हूँ. लेट मी जस्ट डू दैट. यहाँ तक बना दिया. आई थिंक सम ऑफ यू वुड हैव फिनिश्ड टिल हियर. अगर हो गया तो डन टाइप करिए कमेंट सेक्शन में. मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ. 228 250 पहुँच सकते हैं क्या? 250 पहुँच सकते हैं? आठवां आर्ट प्रोग्राम. कहाँ गया कमेंट मेरा? मेरा कमेंट खुद चला गया कहीं. 1 सेकेंड. रिप्लेस पिन. यस डिस्प्ले बंद हो गया. चलो अभी आगे इसके इसमें और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट एल्स? बिल्ली में कौन सा क्या चीज़ मिसिंग है यार, अभी क्या चीज़ मिसिंग है अपनी बिल्ली मौसी में? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, बहुत क्रूशियल चीज़। इसकी साइज़ बिल्कुल कम कर दी मैंने अभी, एंड आई विल गो हैड एंड ऐड इट नाउ। और जैसे ही ऐड करेंगे, जिसने भी बोला ये फॉक्स जैसा लग रहा है, अब जाके वो बिल्ली जैसी लगने लगेगी, है ना? लंबी लंबी विस्कर्स, विच इज़ लाइक सिग्नेचर, नो? बिल्लियों का सिग्नेचर होता है ये। पिन कर दिया यार, पिन कमेंट है उसमें आप देख सकते हो, लिंक है वहाँ पे जाके आप अपना डिटेल्स डाल सकते हो। मुस्टैच, यस यस, मुच्छी, करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। और मैं ये जो इसके कानों के अंदर भी डिटेल्स है ना, उसको भी थोड़ा सा ऐसे शेड कर देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा अलग लगने लगे। गाइज, क्या ये ईजी पीजी है? इज दिस ईजी पीजी गाइज? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, ईजी पीजी है? टाइप ईजी पीजी इन द कमेंट्स अगर इतने जल्दी। आई डो नॉट नो कितना टाइम लगा हमें इसको करने में, बातें भी कर रहा था मैं, काफ़ी सारी और चीज़ें भी कर रहा था। आधे घंटे के अंदर पहला आर्टवर्क तो बन भी चुका है हमारा। लेट मी जूम आउट एंड शो यू व्हाट यू मेड। आई होप आप लोगों ने बना दिया है यहाँ तक। कैन यू मेक अ वीडियो ऑन फ्लिपा क्लिप? यार मैं वो देखता हूँ, वो एप्लीकेशन मैंने नहीं देखा है अब तक। ईजी पीजी आ रहा है कमेंट्स में। मेगा गेमर्स, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। कुछ और शैडोज ऐड कर रहा हूँ यार, देखो जो कलर मैंने पिंक लिया हुआ है ना, उसी को लेकर बॉडी पे कुछ और एरियाज में, और ऐसे जैसे फरी होता है ना, कैट कैट फरी होता है, तो एक और चीज़ कर सकते हैं। ऐसी स्मॉल स्मॉल डिटेल्स की वजह से ना आपका आर्टवर्क काफ़ी डायनामिक लगने लगता है। ऐसे कुछ लाइन्स ऐड करो उसकी बॉडी के बगल में, है ना, जिससे वो थोड़ा सा और देखो फरी जैसा लगने लगता है। जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें ऐड करके ना आप थोड़ा सा अपने आर्टवर्क को ज़्यादा रिफाइंड बना सकते हो। आंखों के ऊपर ऐसे एक लाइन ऐड कर दो, है ना? आई होप यू लाइकिंग दिस, आई होप यू लाइकिंग दिस। पॉ, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े हैं। पॉ इज़ द राइट थिंग दैट आई मिस्ड आउट राइट नाउ। अभी मैंने वो किया नहीं है तो मैं कर देता हूँ। पॉ मिसिंग है यार। आप लोग की मतलब ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी हैं, पता है। आई हैव टू टेल यू गाइज दैट बहुत सही ऑब्जर्व कर लेते हो आप लोग। इसके बाद ये सारी पॉज मैंने बना दी। सिमिलरली आई विल पिक द डार्कर कलर एंड ऐसे कुछ लाइंस बना देता हूँ मैं, सिंपली सिंपल, वेरी वेरी सिंपल ईजी पीजी टेक्निक्स। हाकुना मटाटा, नो वरीज। मैं बता रहा हूँ, आप जो नीचे आर्टवर्क देख रहे हो ना, ऐसी छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी वो भी बना हुआ है। सो कभी भी कोई अगर आपको ऐसा बोले कि यार तुमसे नहीं होगा, या फिर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये सब करने में सालों लग जाते हैं, डोंट थिंक दैट, डोंट, जस्ट डोंट पे अटेंशन टू एनीबॉडी। क्योंकि अगर वही सब चीज़ें हम अपने दिमाग में रख लेना तो वो हमारी लिमिटेशन बन जाती है। फिर हमको लगने लगता है कि नहीं, ये सही में मुझसे नहीं होगा, या फिर व्हाटएवर। सो आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू थिंक दैट। और बहुत ईजी है यार, बहुत, उतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यू जस्ट हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली। होल अवेंजर्स कैरेक्टर, मेरी बिल्ली ऑरेंज टाइगर बन गई। सच ए कूल कॉमेंट। एक सेकेंड, कौन था ये? वन सेकेंड। अमन भट्ट, अमन भट्ट। अरे यार अमन भट्ट, बड़ा कूल, मतलब क्या सही कमेंट मारा है। आपकी बिल्ली अभी ऑरेंज टाइगर नजर आ रही है। आंखें बड़ी बनाई है कि नहीं, आंखें बड़ी बनाई है कि नहीं, वो देख लो। ठीक है, अगला बनाए, अगला बनाए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर एक लेयर के ऊपर आपने दूसरी लेयर पे कुछ बनाया है, तो ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये वाला बटन प्रेस करना होगा, मर्ज लेयर डाउन, है ना? दिख रहा है ना? वो दिख नहीं रहा है, वेट वेट वेट, शिट, आपको बताना चाहिए कि साइड का नहीं दिख रहा है। मैंने इसको एकदम से, रुक जाओ, स्क्रीन को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ मैं। दैट इज रियली अ वेरी वेरी कूल कमेंट टू मेक। एक सेकेंड, इतना छोटा बनाना पड़ेगा क्या मुझे? चलो इतना छोटा ही बना देते हैं, बट आपको दिख रहा है होपफुली। आपको पूरा स्क्रीन दिखना ज़रूरी है। तो इससे मैं डाउन बटन प्रेस करता हूँ तो ये अंदर प्रेस हो जाता है, यानी कि ऊपर वाला लेयर नीचे वाले के साथ कंबाइंड हो जाता है। हाय आदिता, दैट कैट इज सो क्यूट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्यूट कैट इलस्ट्रेशंस का मैंने थंबनेल बनाया हुआ है और आप लोग को बोला हुआ है क्यूट कैट्स बनाएंगे, तो इट वाज ओनली रीजनेबल दैट आई मेक क्यूट कैट्स ओनली, है ना। अभी अगला दूसरा वाला बनाए, थोड़ा फैट वाला बनाते हैं अभी। अभी कमेंट आया ट्रिगर्ड इंसान इज द पाइनएप्पल, नया बनाते हैं। चलो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसको, इस लेयर को अगर मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और स्केल ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, देख रहे हो, अभी मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ। एक साइड पे छोटा करके मैंने बिल्ली को बगल में रख दिया, टिक मार दिया, तो अब छोटा हो गया। छोटा कैसे किया? पिंच किया मैंने। लेट्स गो अहेड मेक अनदर वन, दूसरा बनाते हैं। नेक्स्ट है डॉगो। अपर्णा सुनील विल मेक अ डॉगो इन अ सेपरेट स्ट्रीम जहाँ पे हम डॉगो बनाएंगे अलग से। आई वॉन्ट टू मेक दैट ऑल्सो। आई नो आप लोगों में से काफ़ी को डॉग्स पसंद हैं। ऋषभ कश्यप इज सेइंग यूज अ फर ब्रश, येस वी कैन ट्राई दैट ऑल्सो, है ना। एक कैट स्ट्रेच वाला पोज बनाए क्या? कैट स्ट्रेच वाला पोज बनाते हैं दिस टाइम। लेट्स डू अ कैट स्ट्रेच एंड थोड़ा सा फैट सा कैट बनाते हैं, येस। एंड इस बार वो भूरा कलर का होता है ना, जो हमारे आसपास जो भूरे कलर के कैट्स होते हैं, वो वाला बनाते हैं। लेट अस गो अहेड एंड डू दैट। क्रिएट अ न्यू लेयर, प्लस बटन पे टैप करेंगे तो नया लेयर बन जाएगा। अब हम जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे एक ब्राउन ब्रश, ब्राउन कलर, ओके। लेट्स सी अगर हमको वो मिल जाता है, सॉरी, लेट्स सी अगर हमको ब्रश में फरी ब्रश मिलता है, तो लेट्स सी इफ आई कैन पिक द फरी ब्रश एंड डू समथिंग विद दैट। लेट मी गो अहेड एंड पिक अ फरी ब्रश, या फिर गुआश ओपेक ब्रश से मैं कर सकता हूँ। अभी जो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कंटिन्यू करके आपको दिखा सकता हूँ। माई फोकस एट दिस टाइम इज़ नॉट टू शो यू कि यार कौन से फैंसी ब्रशेस यूज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो। सिंपल ब्रशेस से काम करके आप, यू विल लर्न बेटर इफ़ यू आर यूजिंग सिंपल ब्रशेस। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ब्रशेस लेकर काम करने लगे ना तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो ब्रशेस पे। आई वुड नॉट सजेस्ट एनीबडी, किसी को भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लाइक बड़े बड़े और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रशेस लेके प्रैक्टिस करना चालू करो। Even in my program I suggest people to use like the basic brush as simple as you can and वो brush से ही काम करो। अभी के लिए करते हैं, let's go ahead and do it, okay? Easy peasy, Hriday Gaming is saying thank you so much. Technical Gaming, shout out to you. Can you make a brownish grey cat? Yes, I have a cat that I rescued. Please call her Ruby. I call her Ruby. Hi to Ruby. चलिए बनाते हैं अभी। That brownish grey color is what I'm using now. ठीक है, इस बार फिर से बॉडी की शेप बनाएंगे, ठीक है, बॉडी की शेप बनाएंगे। Again we'll start with a very simple shape like this. Go ahead and make a shape like this. बना दो। बीच बीच में आपके comments भी पढ़ रहा हूँ मैं, okay? 254 guys, that's amazing. 250 likes हो गए हैं। Let's see how far we can make it reach. Shout out bro, big fan. Shout out, thank you so much Niharika Neeru, thank you for being here. You can use hair brush for fur. Shimmering Nips is saying hair brush for fur. I will check that. अभी के लिए actually I'm not going very realistic. I'm trying to keep it simple क्योंकि कुछ beginners भी हैं हमारे साथ जो probably hair brush को लेके उसको manage करना might be a little difficult. I can send you my artwork on Instagram. Please go ahead and do that. एक head के लिए shape बनाया, अब body के लिए एक और shape बनाएंगे. Let's go ahead and do that. Body के लिए एक ऐसी shape बनाइए, simplistic. वेरी वेरी सिंपल, ओके। मैंने बोला था कैट स्ट्रेच पोज बनाने वाले अभी, तो पीछे की ओर ऐसा उसका बॉडी उठा हुआ सा है एंड सामने की ओर इज रेस्टिंग लाइक दिस। गिव हिम अ क्यूट एक्सप्रेशन ऑल्सो। लेग्स आगे की ओर, दूसरा लेग भी सामने की ओर, एंड जो पीछे की लेग है वो बेंट है ऐसे, ठीक है। एक एक पार्ट करके मैंने शेप्स ऐड कर दिए सिंपली, राइट। ये हेड के लिए एक शेप बना दिया, बॉडी के लिए एक शेप बना दिया, उसके बाद और एक पार्ट कौन सी है, उसकी पूंछ है, तो पूंछ के लिए एक और शेप बना देते हैं ऐसी। राइट। कैन यू प्लीज मेक अ वाइट कैट विद ग्रीन आईज? आई हैड अ कैट दैट नेम कैल्विन, ही पास्ड अवे दिस ईयर। ओ माय गॉड यार, आई एम सॉरी। मैं आई डोंट वांट टू मेक यू फील बैड। क्या बताऊँ यार, दिस इज़ वेरी टची। लाइक अगर पासिंग अवे ऑफ अ पेट इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट आई होप यू आर लाइकिंग दिस स्ट्रीम, और जो भी आप देख रहे हो आई होप यू आर लाइकिंग दिस. आप में से कितने लोगों ने आज वाला वीडियो देखा? आई जस्ट वांटेड टू स्विच द टॉपिक हियर. कैन यू मेक योरसेल्फ एज गोकू? कि मेक माईसेल्फ एज गोकू. यार आप लोग मुझे ही कन्वर्ट करना चाहते हो. मैं एक्चुअली इससे पहले कार्टून योरसेल्फ और वो सारी रिक्वेस्ट भी आई थी. यार मुझे पता है क्या, फॉर सम रीज़न ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने ही आर्टवर्क्स बनाने लगूँ तो ये ऐसा नहीं लगेगा बहुत नार्सिसिस्टिक है, इज इन अपने ही चीज़ें बना रहा है, विच इज़ सो वियर्ड. मेरे को पता नहीं, थोड़ा सा गिडी फीलिंग आती है उससे. हाई बिग फैन ऑफ आत्मा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आपका नाम ही बिग फैन ऑफ आत्मा, अपना नाम भी बता दो यार. टुडे आई मेड अ ड्राइंग इन आईबिस पेंट, विल डीएम यू. प्लीज़ डू दैट अद्विता. Advita Arora is one of the people who actually comments every single video. She will comment road to 100k, road to 100k. यार मैं बता नहीं सकता, it was something that I was not even imagining. मेरे को सोच के भी नहीं लग रहा था कि ये होने वाला है. And she used to comment very consistently हर वीडियो पे. अगर आप जाओगे शुरुआत से जितनी सारी वीडियोस हैं, जितने सारे स्ट्रीम्स किए हैं, सब पर अद्विता का एक कॉमेंट है रोड टू 100k हैशटैग, वो चल रहा था. एंड अभी यार इट्स एक्चुअली बिकमिंग अ रियलिटी एंड इट्स so weird. Weird is the new normal. Amazing यार, thank you guys, thank you. और इसी वजह से like I told you, इससे पहले हमने एक और गिव अवे किया था, वो भी एक स्ट्रीम पर किया था. हमने स्ट्रीम पर साथ में एक आर्टवर्क बनाया था, आप लोग को याद है? Some of you were there at that time. एक गिव अवे किया था not very far in the past. अभी कुछ ही दिनों पहले एक और गिव अवे किया था, और मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? उस टाइम पे हम लोगों ने आर्टवर्क्स बनाए थे लाइव, और आप लोग को बोला था कि आप भी वही आर्टवर्क बनाओ. अद्विता इज राइटिंग रोड टू 100k. आई लव यू सो मच अद्विता, थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो मैं वापस से इसके बता भी देता हूँ थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ. थोड़ा लाइटर कलर ले लेता हूँ, लाइटर कलर लेके थोड़ा सा वार्म बना देता हूँ इसको. वार्म बनाकर अभी बॉडी के अगेन जो माउथ वाला रीजन है उसके लिए एक और शेप बना देता हूँ ऐसे. अगर यार इसके ऊपर सेम लेयर पर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नया लेयर बना लेते हैं, है ना. इसके ऊपर एक नया लेयर बनाकर इस तरह से एक शेप बना दिया माउथ के लिए. आई विल एक्सप्लेन. सो एंड एट दैट टाइम व्हेन शी यूज्ड टू टाइप एवरी टाइम 100k 100k 100k, मुझे लगता था यार ये मतलब मजाक है क्या. देयर आर सम स्ट्रीम्स जो दिसंबर में हम कर रहे थे, आई थिंक उस टाइम पे कुछ 1500 1600 कुछ सब्सक्राइबर्स थे हमारे. सैम्स इमेजिनेशन इज आल्सो गोइंग रोड टू 100k. अभी आप लोग स्पैम करने मत लग जाओ रोड टू 100k. तो हुआ ये था कि उस टाइम पर व्हेन इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 1500 to 2000 इतने तक के करीब वो थे, क्या कहते हैं, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स उस टाइम पे. एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू स्ट्रीम, देन जब उस टाइम स्ट्रीम करता था मैं, देन ऑल्सो अद्विता यूज्ड टू राइट रोड टू 100k रोड टू 100k. और मुझे लगता था यार ये बंदी इतनी स्वीट है. वी स्टार्टेड विथ 1500 और तभी आप बोल रहे हो 100,000. इट्स लाइक वेरी स्ट्रेंज नो, बट स्ट्रेंज थिंग्स हैपन. ऑल थैंक्स टू आत्मा आर्मी. बिना आउटलाइन के कैसे ड्रॉ कर लेते हो? यार मैंने बोला ना आपको, मैंने बस एकदम एक सर्कुलर शेप बनाई, आपको दिखाया, बिल्कुल एक सर्कुलर शेप बनाई, उसके बाद एक और बॉडी का शेप बना के ऐड कर दिया, है ना. इनोवेटिव आउटलेट इज सेइंग 100 मिलियन कमिंग टू यू. प्यूडीपाई बना दिया यार मुझे आपने तो. इसके ऊपर एक और लेयर बना दी मैंने. आई एम जस्ट डूइंग इट सो आई डोंट मेस अप द लाइन्स एंड एवरीथिंग दैट आई एम मेकिंग. ठीक है, तो इसकी आंखों के लिए एक और सर्कल बना देते हैं ऐसा. बट आई हैव टू टेल यू दिस एंटायर स्टोरी, आप लोगों ने साथ में देखा है मेरे साथ. लाइक सो मेनी ऑफ यू हैव सीन फ्रॉम द स्टार्ट विच इज़ सो स्पेशल. आप लोग को पता है कि स्टार्ट में स्ट्रीम्स कैसे हो रही थी और अब कैसे हो रही हैं, एंड ऑल द कॉमेंट्स एंड अमेजिंग थिंग्स दैट यू कीप सेइंग. व्हाट कैन आई से. आत्मा आर्मी ओपी है यार, आत्मा आर्मी ओपी है. मैं तो जस्ट बैठ के यहाँ पे पेंटिंग कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. ऋषभ कश्यप, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सेइंग दैट, है ना. तो अभी मैंने क्या किया, येस इट इज़ अ चबी कैट. हाई सुजैन, इनोवेटिव आउटलेट इज सुजैन, आई नो यू एंड यू ऑल्सो आर द वन हु इज़ बीन पोस्टिंग रेगुलरली. जो भी मेरे जितने उस टाइम पे सब्सक्राइबर होते हैं, देयर विल बी वन कमेंट फ्रॉम सुजैन ऑल्सो वेयर शी विल गो हैड एंड से इतने हो गए. यू सी इन सम ऑफ द वीडियोज, यू विल सी एक वीडियो है जिसमें सुजैन ने कमेंट किया है चलो 50K एंड देन नेक्स्ट कमेंट विल बी सम डेज लेटर इट विल बी लाइक 70K एंड देन उसके बाद एक और कमेंट रहेगा 78K एंड देन 82K ऐसे लाइक शी कीप्स कमेंटिंग लाइक दैट एंड आई कीप लाइक आई गो एंड चेक एंड आई समटाइम्स रिप्लाई टू दैट एज वेल. So we're गरीब, we can't afford iPad, so we can do more videos on IBISX. यार मैं उसी पे कर रहा हूँ ना, अभी मैं उसी पे कर रहा हूँ. What scope of vector art? इतना इग्नोर क्यों करते हो? मैं तो हर लाइव में आती हूँ, मुझे इग्नोर कर रहे हो. पिछले लाइव में भी इग्नोर करा मुझे. माई आर्ट गैलरी, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू. मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है एक का नाम लेके दूसरे को इग्नोर करने का. मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ यार कि जो कंसिस्टेंटली आते हैं या कंसिस्टेंटली स्ट्रीम्स पर होते हैं तो उनके साथ मतलब रेगुलर बातें होती रहती हैं तो वैसा हो जाता है. आई नो आप रेगुलर आते हो स्ट्रीम्स पर और मैंने आपका कमेंट्स वगैरह भी देखा हुआ है. जो भी पोस्ट आता है उसमें भी आप कमेंट करते हो रेगुलरली. मैं इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था. माउथ के लिए एक शेप बनाइए, माउथ के लिए एक शेप बनाइए ऐसे. थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस. जितने लोगों ने भी आपने मुझे सपोर्ट किया है, जो भी अब काम चल रहा है. ऐप नेम इज़ IBIS Paint X. यार हम लोग IBIS Paint X पर काम कर रहे हैं अभी, है ना. एक करके स्टेज वाइज कर रहे हैं. वेरी गुड, योर नेचर इज सो स्वीट, थैंक कूल एंड योर ड्राइंग इज ऑसम. थैंक यू सो मच फॉरम सोनी, थैंक यू फॉर सेइंग दैट. अच्छा चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो बॉडी है ना उसमें अगर कुछ मुझे शेप्स को रिफाइन करना है तो मैं एक्चुअली एरेज भी कर सकता हूँ. जहाँ पे भी पार्ट्स मुझे थोड़े से क्लीन अप कर रहे हैं तो मैंने उसको भी अरेज करके क्लीन कर लिया. इसके बाद वापस से मैं शेप जो पहले डिफाइन किया था, हमने सबसे पहले कुछ शेप्स बनाए थे करेक्ट, वही शेप को वापस से थोड़ा क्लियर बना देता हूँ विथ लाइंस. जस्ट द वे वी डिड इट इन दिस किटी, वैसे ही इस पर भी करेंगे. आप लोग साथ में कर रहे हो ना, आई होप आप लोग साथ में कर रहे हो, है ना. सिर के ऊपर इसके ऐसा एक वेट आ गया. एरेजर लेके पेंट करे जा रहा हूँ मैं. एफ 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 टाइप करो कमेंट्स में. एफ एरेजर लेके पेंट करता है वेंकी. इसके ऊपर एक हेड के ऊपर ये बना दिया शेप जो हेड का शेप है, लाइन जो है डिवाइड करती है उसको. और यहाँ पर एक और लाइन ईयर को डिवाइड करने के लिए. मियाओ आ गया कमेंट में. मियाओ टाइप करो यार, मियाओ टाइप करो कमेंट्स में इफ़ यू गाइस आर लाइकिंग दिस. इजी पीजी, मेरी बिल्ली इतनी स्ट्रेच हो गई कि स्वीट पोटैटो बन गई. अमन बट यार योर कमेंट्स आर सो फनी. इससे पहले उन्होंने लिखा ना उनका येलो टाइगर बन गया है. अभी तो स्वीट पोटैटो बना दिया उन्होंने. चलो चलो बनाओ बनाओ. आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग इट. मैं चाहता हूँ कि आप लोग पोस्ट भी करो इंस्टाग्राम पर और मेरे को बताओ. यार कहाँ गया ये? अच्छा इसके ऊपर है क्या? मैं महा लेवल पे फेल कर रहा हूँ आज. आंखें इसके ऊपर है तो आंखें वाली लेयर पर करते हैं. ये एक और मार्क जो उसकी दाढ़ी सी है वहाँ पर. सेम कलर से मैं माउथ की लाइन भी बना देता हूँ. लेकिन चिन्ह है यार बेसिकली, वी आर मेकिंग अ चिन्ह फॉर हिम, है ना. इतने में बिल्ली नजर आ रही है. हू ऑल नोज गारफील्ड? हाँ गारफील्ड तो मुझे पता है. स्वीट पोटैटो ओपी चल रहा है कमेंट में. सर मेरा जेली फिश कैसा था? मुझे यार आई रियली लव्ड ऑल ऑफ यू गाइज हु मेड द जेली फिश एंड सेंट मी, बिकॉज आई थिंक वही सिंपल टेक्निक जो हमने यूज़ किया जिसकी वजह से काफ़ी लोग आप लोग बना पाए एंड मेरे को बहुत कलरफुल और बहुत प्रिटी लगा हो. काफ़ी अच्छा आया आप लोगों का भी जिन्होंने भी बना के भेजा था मुझे. मुझे याद है एक एक को जिन्होंने भी भेजा उन सबका मैंने इंस्टाग्राम पर शाउट आउट दिया है इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली. अगर आपका मिस कर दिया हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट. मैं कर दूंगा, आप वापस से मेरे को शेयर करोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको शाउट आउट दूंगा. ओप्स वट एवर डन. तो ये हेड का शेप है, हेड के शेप के लिए भी वो लाइन कंप्लीट कर रहा हूँ मैं. राइट, हु इज़ दैट डूइंग मियाओ मियाओ? मियाओ मियाओ चल रहा है कॉमेंट्स में. सर ब्लू वाला मेरा था. यस हर्ष गुरु जी. यार आप लोग में से आई थिंक लाइक एटलीस्ट 3 और 4 पीपल हैव सेंट मी, एटलीस्ट उससे ज़्यादा ही है क्योंकि मैंने काफ़ी शेयर किया है वो जो जेलीफिश वाला आर्टवर्क था. अगर आप लोग यहाँ पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब, क्योंकि काफ़ी सारे और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और ऐसे ही स्ट्रीम्स हम करने वाले हैं. और अगर इस स्ट्रीम पर Get to know Siri. बंद हो जाओ, चले जाओ Siri, please. I don't want you. I'm listening. No. इसको बंद करना है यार मुझे. मैंने पहले की वीडियो देखी है एकदम कुणाल छाबरा लग रहे हो. कुणाल छाबरा? 1 सेकेंड. कौन सी वीडियो यार? पहले की वीडियो का मतलब बिल्कुल पहले जब मेरे बाल लंबे नहीं थे उसकी बात कर रहे हो. सर मेक टॉम, दैट्स अ नाइस आइडिया. टॉम एंड जेरी, यस वी कैन डू दैट इज वेल. मेरे वाला जेलीफिश कैसा था सर? फर्स्ट टाइम ट्राई किया था आपसे सीख के. सानिया रॉय आई सी, मैंने वापस बोला आपका अकाउंट शायद वहाँ पे कोई दूसरे नाम से होगा, बट जितने लोगों ने भी मुझे वो बना के भेजा द जेलीफिश, ऑल ऑफ देम वर रियली नाइस. ऑल ऑफ देम वर रियली नाइस. आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग कुछ सीख रहे हो और आप बना भी रहे हो यार साथ में. दैट्स समथिंग दैट्स रियली अमेजिंग. एंड इसीलिए मैं ऐसे ही और स्ट्रीम्स आपके साथ करना चाहता हूँ जहाँ पे आप सीख पाओ. मैं बस अपना बैठ के खुद ही पेंटिंग करता रहूँ वो अलग है, और अगर आप लोग सीख रहे हो और आप लोग को भी कुछ हेल्प हो रहा है इसमें तो फिर वाई नॉट, वी शुड डू मोर ऑफ दैट ना. बॉडी पे और डिटेल ऐड करें. बॉडी जो पीछे की तरफ है वहाँ पर भी मार्क्स जो पहले बनाए थे वैसे ही मार्क्स बनाते हैं. भूरी बिल्ली, भूरी बिल्ली की बात हुई थी ना अभी. बॉडी का कॉन्टूर जो है, बॉडी का जो शेप है उसको लेकर हम उसके साथ साथ ऐसे शेप्स बनाएंगे, राइट? मैं हाइपर रियलिस्टिक बिल्ली बना सकता हूँ, लाइक एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड बिल्ली बना सकता हूँ, बट आप लोगों को फॉलो करने में दिक्कत हो जाएगी अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना करूँ, और वो थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा. आप में से कई लोग शायद फॉलो नहीं कर पाएँ, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिफाइंड और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बना रहा हूँ अभी. मे बी मोर कर्व्ड, राइट? थर्ड वाली जो होगी सबसे लंबी होगी. यार मैं आप लोगों से बात करते करते थोड़ा खा भी सकता हूँ ना, पेंटिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा खा सकता हूँ ना क्योंकि मैं खाना थोड़ा सा मिस हो गया. खाने वाला था मैं सेशन से पहले, बट टाइम की कमी पड़ गई तो मैं खा नहीं पाया. तो अभी शायद 1-2 ऐसे स्पून बीच बीच में खाता रहूं. ये थोड़ा छोटा यहाँ पर, यहाँ एक और छोटू सा. हाँ, that looks exactly like Ruby. Ruby was also chubby cat, क्या? अभी बॉडी पे और डिटेल ऐड करते हैं यार, चलो. मैं लेग्स के लिए ऐसे इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने वाला हूँ, जिससे कि थोड़ा और क्लियर स्टैंड आउट करे. इससे पहले जैसे हमने किया था ना पहले वाली पे भी, बॉडी के पार्ट्स को थोड़ा सा लेकिन वी वांट टू मेक इट अपीयर वेरी क्लियर. उसके लिए शेप्स को डिस्टिंग्विश करवा रहे हैं. डू इट डू इट. आई समटाइम्स कॉल हर चब चब्स. यार लाइक मुझे पता है क्या, सही में मेरी फ्रेंड ने जब बताया कि इट फील्स लाइक द कैट इज टॉकिंग टू हर, लाइक बहुत बातें करता है, बहुत बातें करता है, ऐसे शी वाज सेइंग. I'm like यार if I don't own a pet then probably it will be difficult. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये समझना कि एक बिल्ली बात कैसे करती है ना. अगर आप लोग के पास पेट है तो प्रॉब्ली आपको समझ में आता है एंड यू आर एबल टू कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि क्या बोला जा रहा है, कब, क्यों, कैसे बिहेव कर रहा है. ऑल दैट. क्रिकेट इंसान और मितपैट की शादी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? यार मैंने वीडियो डाला, उसके अगले दिन मितपैट का वीडियो आया है ना. एंड आई वाज लाइक क्या टाइमिंग है. मैंने भी वो ट्रिगर्ड इंसान के साथ कुछ थोड़ा सा फनी सा बना दिया था और उन्होंने भी अगले दिन बिल्कुल वही टॉपिक पे डाला है. ऐसा लग रहा है जैसे लीक हो गया था इन्फॉर्मेशन पहले से कि ऐसा कुछ आने वाला है, बट ऐसा नहीं है. मैंने ऐसे ही सोचा था, पहले ही बनाने के सोच रहा था मैं, एंड तभी ये बेसिकली वीडियो आ गया. सर आप लग रहे हो, मन करता है पप्पी ले लो. क्या I don't know how to react to that. my cat comes to the side and starts meowing. हाँ तो meowing तो समझ में आता है मुझे. फेलियर गेमिंग स्पैम करे जा रहे हो, सेंसर करो सेंसर. इसके ऊपर पैर के ऊपर और थोड़े मार्क्स बना देते हैं. Again, this is all just to make it look a little more dynamic and have a little personality. वरना एकदम plain color में भी बना ही सकते हो आप. Pitch of the sound is also like talking. हाँ वही यार, वही बोल रही थी वो कि वो ऐसा लगता है कि बात कर रहा है, saying something. And the emotion is something that you can understand. I hope आप लोगों को शायद समझ में आता होगा. If you have a cat या फिर a dog, उनकी आवाज़ में आपको वो समझ में आता होगा ना कि what is it that they are trying to say. Yes. Guys, अगर आप लोगों में से again I am plugging it in, I am saying this again because आप लोगों में से काफ़ी हैं जो मैं जानता हूँ कि genuinely interested हैं सीखने में, और मैं comments भी देखता रहता हूँ या फिर इससे पहले भी जब भी हमारी बात हुई है, there are people who have asked sir I want to learn from you, मुझे आपसे सीखना है, बता दो कैसे कहाँ क्या होगा and all that. So उसके बारे में एक सेशन होने वाला है वापस से. I am telling you guys, just go ahead and register. लिंक अभी पिन किया हुआ है मैंने, उस पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो एंड सीख सकते हो मुझसे. इसकी पूँछ पर भी है यार, एक धारी बना देते हैं, एक पूँछ पर बनाएंगे तो इट लुक वेरी नाइस. निहारिका नीरू इज सेइंग आई एम न्यू. ओ इफ़ यू आर न्यू यू शुड प्रॉबली सब्सक्राइब एंड ऑल्सो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम मी देयर इज़ अ लिंक, मिस मत करना. यू कैन सब्सक्राइब और गो हेड एंड फिल योर डिटेल्स इन दैट लिंक एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम मी. यस, कैट नंबर 2. अब कैट नंबर 2 का मुस्टैचेस इसके भी होंगे ना. लेट्स गो हेड ऐड मुस्टैचेस. छोटा कर देता हूँ इसको. बातें करें थोड़ी देर. शुड वी टॉक. आप लोगों में से कितने लोगों को बताया गया है कि यार आर्ट वगैरह में क्या है, वाई डू यू डू दिस, इसका कोई मतलब नहीं है, टाइम पास है ये सब. बताया गया है क्या, ऐसे बोला गया है क्या? सर हाउ डू आई जॉइन योर डिस्कॉर्ड? डिस्कॉर्ड यार वन सेकेंड, आपको डिस्कॉर्ड बताने से पहले. निहारिका नीनू सिंह आई एम न्यू, आई सब्सक्राइब्ड एंड लाइक्ड योर वीडियोज मास्टर. Thank you for saying that. There are so more videos coming up, more streams coming up. So yeah, notifications वगैरह turn on कर लीजिए. Venky is like Venky will never stop asking for more. It's like ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा, Venky will never stop asking for more. अगर video like कर दिया तो बोलेगा subscribe करो, subscribe कर दिया तो बोलेगा notification turn on करो. अभी लाओ अपनी सारी संपत्ति की जायदाद की papers दे दो और उसके आगे और भी कर दो. नथिंग लाइक दैट. मैं चाहता हूँ यार आप लोगों को सिखाऊं और मिस ना करो. बेसिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चलेगा. आई सी सो मेनी कॉमेंट्स, जो स्ट्रीम पे कॉमेंट्स होती है ना, स्ट्रीम पे नहीं, स्ट्रीम के बाद भी जो भी होता है, वीडियो रह जाता है उसमें कॉमेंट में देखता हूँ मिस द स्ट्रीम अगेन, मिस द स्ट्रीम अगेन. अगर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो फिर मिस हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ. एंड वन सिंपल थिंग दैट यू कैन रिमेंबर इज मंडे एंड फ्राइडे नाइट 9 PM आई एम लाइव. सो अगर आपको स्केड्यूल में डालना है अपने, मंडे एंड फ्राइडे 9 PM तो मैं आता हूँ. तो या ये क्या कर दिया मैंने, अलग अलग लेयर पे काम करते करते सब चीज़ को मैसअप कर रहा हूँ. आई एम जस्ट मिक्सिंग देम अप. ओके, अभी मिक्स इन द सेंस सबको सबको मैं ब्लेंड करता जा रहा हूँ, एक लेयर पे बनाता जा रहा हूँ. सो नीचे शैडो टाइप चीज़ करने के लिए एक थोड़ा सा डार्कर कलर लेकर ऐसे मैंने शेड ऐड कर दिया है, सारे लेयर्स को ब्लेंड भी कर दिया है. सी कुछ स्टेप्स भी कुछ आप लोग को शायद अब तक समझ में आ चुकी होंगी तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सामने सामने कर रहा हूं तो आप देख के फॉलो कर सकते हो. मेरे बिल्ली एक दूसरी बिल्ली को गंगा बोलता है. गंगा बोलता है? आपका बिल्ला दूसरी बिल्ली को बोलता है? ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया. बिल्ली बात भी करती है क्या? ऑगी ओपी चल रहा है कमेंट्स में. इसकी बॉडी के नीचे वाला मार्क मिस हो गया यार, वो भी कर देते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा लाइटर कलर ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से बेली के लिए भी वो एरिया ऐड कर देते हैं विच आई मिस्ड आउट अर्लियर। यस आर्मी, और एक बिल्ली बनानी है। अब कैसी बिल्ली बनानी है आप लोग बताओ। मैं कुछ कुछ रेफरेंसेस रखे हुए हैं मैंने जिनको देख के मैं आपको बनवा सकता हूँ, या फिर अगर इफ़ यू हैव समथिंग स्पेसिफिक इन माइंड वो भी कर सकते हैं। आई एन अलार्म फॉर 8:55 फ्राइडे एंड मॉर्निंग। ओ मंडे, ऑसम यार, आपने अगर अलार्म लगा रखा है तो मिस ही नहीं करोगे, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मिस हो जाए। फ़ोन अगर हाथ में होगा, कोई भी ऐप पे हो, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। वैसे $326 पे हैप्पी डांस गाइस, 350 पे हैप्पी डांस। इफ़ एनी ऑफ यू आर न्यू हियर, वी हैव अ ट्रेडिशन, जब भी हम एक अच्छे पॉइंट पे पहुंचते हैं एक स्ट्रीम पर तो मैं छोटा सा हैप्पी डांस करके दिखाता हूँ। अगर आप नए हो तो 350 पहुँचाओ एंड यू विल बी एबल टू सी व्हाट हैप्पी डांस इज। 333 पे है येलो बिल्ली मीडियम साइज लाइक आर्टमा। मीडियम साइज का मतलब जैसे मीडियम साइज हमारा चैनल है, ना छोटा ना बड़ा, अभी मीडियम है बीच में। शौर्य दोदेजा, थैंक यू सो मच यार। आई एम जस्ट रीडिंग अ फ्यू कॉमेंट्स अभी। यस वी हैव टू डिफरेंट किटीज। अभी इसको मैं इसके साथ भी ब्लेंड कर मर्ज कर देता हूँ। देखो अगर आपको शेप्स को थोड़ा सा चेंज अप करना है ना तो स्पेशल ब्रश में जा सकते हो आप। ब्रश में जाकर ऐसे ही जो पुश वाला जो दिख रहा है आपको, पुश वाला जो टूल दिख रहा है वो लेकर आप चीज़ों को पुश अराउंड कर सकते हो। देखो इसकी मुंह का शेप थोड़ा सा चेंज करना है मुझे तो मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ इसको। यू कैन ऑल्सो डू दिस। अगर जो भी शेप आपने बना दिया उसके बाद आपको लगे कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था इन फोटोशॉप। दिस इज़ कॉल्ड लिक्विफाई। यहाँ पे भी लिक्विफाई ही है आइडियली जो इसका नाम है। तो आप इससे अपने शेप्स करेक्ट कर सकते हो। सो यू डोंट हैव टू एरेज एंड डू दिस अगेन, तो एक ही बार में हो जाएगा। नो सर, मतलब मीडियम अंडर वेट नहीं, ओबीज नहीं। अच्छा मैं आप समझा, मेरे को लगा आप मीडियम साइज बोल रहे हो आत्मा के चैनल जैसा। यार एक बात बताऊं क्या, लाइक आई हैव टू टॉक टू यू गाइस अबाउट दिस। मैं और किससे बात करूंगा इन सब चीज़ों के बारे में। शुरुआत में ना जब YouTube स्टार्ट किया था मतलब मार्च अप्रैल में तो बनाता था मैं, उसके बाद मैंने रेगुलरली कुछ बनाया नहीं था वीडियोस। उसके बाद जब दिसंबर में स्टार्ट किया तो वीडियो स्टार्टेड पिकिंग अप एंड कुछ लोगों को पहुँचने लगी वीडियोज़। एंड उस टाइम पर कॉमेंट्स आते थे यू आर सो अंडररेटेड। ठीक है, आप अगर पुरानी वीडियोस पे जाओगे, पुरानी का मतलब वही नवंबर दिसंबर की वीडियोस पे जाओगे तो उसमें कमेंट आता था यू आर अंडररेटेड, यू आर अंडररेटेड। एंड आई वाज लाइक ओके चलो, देयर आर पीपल हु थिंक दैट आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व मोर सब्सक्राइबर्स, या फिर थोड़ा सा ग्रोथ हो जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता था। मैं सरप्राइज तब हुआ जब कल एक कॉमेंट आया, कल नहीं आई थिंक आज आफ्टरनून में एक कॉमेंट आया यू आर अंडररेटेड। मुझे लग रहा है यार लाइक अभी तो लाइक क्लोज टू 90,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं and this is something that I did not imagine, and usko bhi at this time also somebody is saying underrated and I'm like okay let's see run kahan tak pahunchta hai, I don't know, let's hope only good things happen with everybody, sabke sath acha ho। Oh my god, so many hearts coming in sir, which editing and streaming software। yaar main app jo use kar raha hu wo ibis paint hai aur streaming software jo use kar raha hu wo hai Streamlabs OBS। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ अभी नारुतो KCM2 मोड बनाओ ना अभी प्लीज़ यार। आज वाले तो हमने बिल्लियों वाला बोला हुआ है ना, तो वी आर मेकिंग लॉट ऑफ बिल्लीज। ठीक है, 2 बिल्ली हो गई, तीसरी बिल्ली और बनाए। बताओ आप कैसी बिल्ली देखनी है आपको, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू। पता है क्या हुआ था, गेमिंग चैनल पर हम लोग गेमिंग कर रहे थे, वी वर प्लेइंग। अच्छा बाय द वे वी हैव अनदर चैनल कॉल्ड प्ले विथ आत्मा, जिसमें हम लोग गेम करते हैं, हम लोग साथ में खेलते हैं। एंड वहाँ पर हुआ ये कि मैंने गेम का लगाया हुआ था कि फ्री फायर खेलने वाले हैं, फ्री फायर खेल रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फ्री फायर खेल के हो गया, उसके बाद हमने वो क्या है अबाउट अमंग अस खेलना चालू किया। एंड समबडी कम्स ऑन टू द स्ट्रीम इज लाइक अरे थंबनेल लगा हुआ है फ्री फायर का और यहाँ पे अमंग अस खेल रहे हो। वैसे ही हो जाएगा। इफ समबडी कम्स लुक्स एट द थंबनेल एंड सीज क्यूट कैट इलस्ट्रेशन और हम अंदर आके कुछ और बना रहे हैं। वेरी थिन गेम, What? Sir, you deserve. What is that? कितना बड़ा नंबर लिखा है शिमरिंग निप्स ने, एक पता नहीं है, मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन मिलियंस लिखा हुआ है. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑल द लव. Guys, I'm loving the hearts coming in. Thank you so much, Sudhanshu Mehta. Thank you so much for sending so many hearts. Ganesh ji का portrait tutorial भी upload करो ना. करेंगे यार, करेंगे. We will do different things at different times. आज के लिए let's do cats like we spoke. मैं years के अंदर भी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मेरे को और add कर देना चाहिए. Like वो भी थोड़ा light color का. I will do this. मैं चाहता हूँ आप लोग, मतलब आप में से कुछ लोग और स्ट्रीमिंग स्टार्ट करो, आर्ट बनाओ, लाइव स्ट्रीम्स करो, बिकॉज आई वांट आवर कम्युनिटी टू ग्रो. यार मैंने ये पहले भी बोला हुआ है, शुरुआत में मैं काफ़ी कहता था कि इंडिया में अभी आर्ट स्ट्रीमर्स ज़्यादा है नहीं, है ना, जो लोग आर्ट लाइव स्ट्रीम करें या फिर पेंटिंग लाइव करते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं. अगर आप लोग भी करोगे तो आई विल बी ग्लैड टू कोलैबोरेट विथ यू, है ना. आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल आर्ट चैनल, सर्च अद्विता अरोरा, प्लीज़ सब इफ़ यू वांटेड. Guys, support one another. Daksh Gaming, yes I know Rishi Draws. In fact, the 1 minute videos का जो idea है ना, वो उनके channel से मेरे को मिला था. And उनकी videos देखकर मैंने सोचा चलो let's also try doing 1 minute videos. So yeah. Next Billy. Which one? What kind? बताइए कुछ idea. इस बार लाइक मल्टी कलर्ड बिल्ली बनाते हैं. अभी 2 बिल्ली बना दी हमने, लाइक समबडी सेड मीडियम कलर, ग्रीन आइज एंड प्रॉबली येलो शेड में कुछ बनाते हैं, थोड़ा सा ब्राइटर, है ना. तो इस बिल्ली को भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ले जाता हूँ. ओके, नाउ द थर्ड बिल्ली इज कमिंग अप. पता है क्या, ये सारी बिल्लियों को मिला के हम एवेंजर जैसा एक पोस्टर बना सकते हैं. लाइक बहुत सारी बिल्लियाँ हो जाएंगी, ऑल ऑफ देम आर लाइक टुगेदर, दे आर ऑल सिटिंग एंड सबके साथ में मिलके एक वो एवेंजर्स का पोस्टर जैसा बन सकता है. ये सारी वियर्ड आइडियाज आती रहती है मेरे को, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन सब करता रहता हूँ मैं. देखो ऐसे अगर 1 2 3 4 बिल्ली बन गई तो सारे सबको साथ में लगा के लाइक कैट, पता नहीं, लीग, जस्टिस लीग जैसा कुछ, है ना. नाउ लेट मी गो हेड एंड मेक अनदर. नया लेयर बनाया हुआ है, इस लेयर पर लेट मी गो हेड एंड स्टार्ट डूइंग अनदर वन. अभी हम स्केच के साथ करते हैं, ठीक है, स्केच के साथ करवा के दिखाता हूँ मैं आपको. लेट मी गो हेड एंड पिक वन स्केच के लिए ब्रश. कोई डिप पेन कैसा है? आई थिंक डिप पेन यूज करता हूँ मैं. स्टैंडिंग कैट, यस स्टैंडिंग कैट, विल डू अ स्टैंडिंग कैट एंड ऑल्सो वी विल गिव इट सम पैटर्न्स ऑन द बॉडी. थिन डम्पस्टर कैट, वो भी अच्छा आइडिया एक्चुअली. ऑगी, जैक ऑगी, सर ड्रॉ ऑगी. अमन भट्ट आप पूछ रहे हो, अभी मैंने ऑगी एक सेपरेट स्ट्रीम पर अलग से बनाया है. देर इज़ अ स्ट्रीम सांता क्लॉज, हमने क्रिसमस के टाइम पे बनाया था, जब सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को हमने सांता क्लॉज में टर्न किया था, तो उसमें ऑगी भी है, आप वहाँ देख सकते हो, वो स्ट्रीम चेक कर सकते हो. चलो सबसे पहले तो हम बॉडी के लिए एक शेप बनाते हैं, ठीक है. लेट अस स्टार्ट. ये थोड़ा स्केचिंग पे हैवी होने वाला है, उतना बेसिक नहीं है जितना हमने पहले वाले 2 बनाए हैं, इसमें थोड़ा सा स्केचिंग लगेगी. तो एक लेयर पर स्केच बना देते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं. आत्मा आर्मी ओपी, रोड टू 1 मिलियन. सानिया रॉय सिंह 1 मिलियन ओनली. यार मैं अभी वही बोल रहा हूँ, मजाक है क्या? 1 मिलियन के लिए कितना काम करना पड़ता है? अभी हमने शुरुआत ही की है मेरे को तो लगता है, बट दैट्स अ गुड थिंग इन द सेंस अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारी आइडियाज़ हैं आप लोग के लिए, काफ़ी कुछ करना बाकी है. बॉडी के लिए एक ऐसा शेप बनाया है, ठीक है. सबसे पहले तो एक फ्रंट ऑफ द बॉडी ऑफ द कैट एंड बैक ऑफ द बॉडी, एक और जैसे यहाँ पे बॉल जॉइंट होता है ना लेग का, वो उसके लिए एक और शेप बनाया, और वहाँ से इस तरह से निकाल के जो हाइंड लेग, पीछे की लेग है, वो निकल के आ रही है. ओके, ऊपर की बॉडी ऐसे बनाई. अब आई थिंक मेरे को इनको थोड़ा और छोटा कर देना चाहिए, साइड में कर देना चाहिए, तब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना पाऊँगा. ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है यार, आप लोग यूज़ कर सकते हो. ट्रांसफॉर्म मूव, लाइक ट्रांसफॉर्म ये वाला बटन है, इसको टैप करके आप ट्रांसफॉर्म वाले इसमें ऑप्शन में जाके फिंगर से ऐसे पिंच करके बड़ा छोटा कर सकते हो. कैन यू ड्रॉ सम लैंडस्केप ड्राॅइंग्स प्लीज़? नॉट नाउ. Ramakala Ramo, there is one entire stream on a fantasy landscape जिसमें हमने एक ड्रैगन भी बनाया था, वो ज़रूर देखना, चैनल पे है ये। यार अभी अच्छा हो गया कि काफ़ी सारे स्ट्रीम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट जो आती है उसको मैं वो बता सकता हूँ कि वो ऑलरेडी बन चुका है, आप देख सकते हो, विच इज़ गुड ना। तो अभी बॉडी के लिए सॉरी हेड के लिए एक और शेप ऐसा बनाया, वापस से सर्कुलर ओवल शेप बना दिया, ठीक है। अरे 350 हो गया, हैप्पी डांस का रिक्वेस्ट आने लग गया है। ऑल राइटी, जस्ट गिव मी लाइक 2 मिनट्स, 2 मिनट्स करते हैं। अविनाश, अद्विता, ऑल राइट, ओके ओके ओके। अगर मैं अभी नहीं करूँ तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर, बिकॉज मैंने बोला था 350 पे करूँगा, सो हियर इट गोज। ऑल राइट, रेडी, 3, 2, 1। हैप्पी डांस फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर 350 लाइक्स, दिस इज ऑल सुपर स्वीट फॉर मी। यार मुझे दिस कनेक्शन दैट वी हैव, दिस बॉन्ड दैट वी हैव बिल्ट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, है ना। बनाता हूँ अभी, देखो अभी इसकी बॉडी के लिए भी और चीज़ें करेंगे। पहले तो अभी जो हेड है उसके लिए एक शेप बना दिया, एंड आई थिंक दिस हेड का शेप माइट बी लिटिल टू बिग, तो मैं इसको सिलेक्शन ऐसे बना के इससे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, है ना। ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर दिया, माउथ को डीसेलेक्ट कर दिया। मम्मी से थप्पड़ खा के आई तो सी यू लाइव। यार मम्मी को बोलो यार मम्मी मैं सीख रही हूँ, ये कुछ लाइक ऐसा क्या कहें, कोई टाइम पास एंटरटेनमेंट स्टफ, आई डोंट नो, इट्स समथिंग दैट यू आर लर्निंग नो, आप सीख रहे हो, तो मम्मी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। मम्मी को बोलो आर्ट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिस्पेक्टेबल, आर्टिस्ट की इज्जत करो, गलत नहीं है ये। Anyways, I'm going ahead and adding ears on top. Draw Olivia from Augie and the Roaches. यार Augie का मैंने अभी जस्ट बताया कि we have done Augie related characters, वो आप उस स्ट्रीम पे देख सकते हो। फेस के लिए एक जो सर्कुलर पार्ट है, ये बेस है फेस का, इसके ऊपर मैं डिटेल ऐड कर रहा हूँ, यानी कि एक एक कैरेक्टर के और फेस का फीचर जो है वो इसके ऊपर ऐड करते जा रहा हूँ, ओके। माउथ के लिए ऐसा एक शेप बना दो। ऑल ऑफ दिस इज रफ, आई एम कीपिंग इट वेरी रफ। एल्सा ड्राइंग डाउनलोड सारी ड्राइंग, आप बोल रहे हो कि जो सारी वाला ड्राइंग है उसका डाउनलोड चाहिए आपको इमेज। आई डू समथिंग अबाउट इट यार, जो भी आर्टवर्क्स मैं बनाता हूँ उनको डाउनलोड करने का ऑप्शन, आई थिंक आई शुड बी एबल टू डू समथिंग अबाउट दैट, मैं करूँगा, विल डू समथिंग, ठीक है। अब देखो ये जो है दो चीज़ें, दो सर्कुलर शेप्स बनाई हैं, ये हो गई उनकी आइज़, जहाँ पर आंखें होने वाली हैं वहाँ पर हमने रफली ये प्लेसमेंट फिक्स किया है, ओके। मैंने बोला था ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होगा इन डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ द बॉडी का शेप एंड ऑल, ठीक है। दिख रहा है, यहाँ तक कर पा रहे हो? ऐसा कुछ बचा है जो आपने करा नहीं? यहाँ पर नहीं, चैनल पर आई थिंक देर इज़ अ लॉट दैट वी कैन डू, बट अदरवाइज तो काफ़ी आर्टवर्क्स बनाए हुए मैंने। आप लोग इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। 359 लाइक्स, अमेजिंग। देखते हैं रिकॉर्ड ब्रेक होता है क्या, कितने लाइक्स हो जाते हैं, और 100K पे कुछ करने का मौका मुझे आप लोग देते हो कि नहीं। आई एम टेलिंग यू गाइस, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। अगर मैं बता दूं कि 100K पे क्या होने वाला है तो आप लोग, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरे पेट में कोई चीज़ रुकती नहीं है यार। नहीं, नथिंग। ऑल राइट, एनीवेज एक पूंछ भी बनाते हैं। अभी मैडम ये जो किटी कैट हैं ये बहुत मस्त एकदम एटीट्यूड में, शी इज़ गोइंग समवेयर, सो पूंछ बिल्कुल ऊपर उठाई हुई है। यू सी हाउ कैट्स वॉक, लाइक अब जब आपने बिल्लियों को चलते हुए कभी देखा है, आपने देखा होगा कि पूंछ बिल्कुल ऊपर उठा कर, व्हेन दे आर एक्साइटेड दे डू दैट, दे लाइक हैव देयर टेल बिल्कुल ऊपर एंड दे आर वॉकिंग, वैसा कुछ पोज है। आर यू यूजिंग iPad, ड्राइंग पैड, और यूजिंग व्हाट्स ब्रांड? सो आई एम करेंटली वर्किंग ऑन एन iPad, या iPad यूज़ कर रहा हूँ, है ना। अब फ्रंट लेग के लिए भी यहाँ पर सपोज एक जॉइंट मान लो, और यहाँ से जो लेग है वो निकाल दो, ये भी इजी पीजी है गाइस, ये भी इजी पीजी है गाइस। प्लीज़ डू नॉट स्पैम यार, प्लीज़ डू नॉट स्पैम। आप लोग एक ही चीज़ बार बार टाइप मत करो। मैं सबसे बात करना चाह रहा हूँ ना, मैं सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाकी लोगों के भी कमेंट्स को रेस्पेक्ट करें, है ना। दूसरी लेग भी बना दी, ऐसे बनाया यहाँ तक बनाया। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू बी डूइंग दिस टुगेदर विथ मी। और मैं चाहता हूँ आप लोगों में से जितने लोग भी बना रहे हो शेयर करो मेरे साथ, और हम लोग इंस्टाग्राम पे इसको रीच करवाएंगे और लोगों को। आई थिंक ये थोड़ा सा ऑफ है, इसको पीछे करना पड़ेगा मुझे। लेट्स इमेजिन कि पीछे कहाँ पे होना चाहिए, समवेयर अराउंड हियर, है ना। ये लेग आई थिंक ये थोड़ा आगे आ सकता है, तो लेट मी टेक अ सॉरी स्पेशल ब्रश एंड इसका साइज़ बड़ा करके लेट मी जस्ट पुश इट थोड़ा आगे। सब चीज़ों को थोड़ा आगे पुश कर रहा हूँ जस्ट सो इट लुक्स बैलेंस्ड। इतने में आपका बॉडी बन गया क्या, कैरेक्टर लगने बॉडी बन गया क्या, मेरा मतलब है। बॉडी कैट की जो स्केच कर रहे हैं हम, एक एक पार्ट करके बनाया, देख रहे हो, ब्रॉड शेप्स बनाए। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। अब मेरे मेथड में मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, बिग मीडियम स्मॉल अप्रोच फॉलो करते हैं हम। बिग मीडियम स्मॉल क्या होता है, देर आर बिग शेप्स, देन वी गो टू मीडियम शेप्स, देन वी गो टू स्मॉलेस्ट शेप्स। तो अभी बिग शेप्स हमने बनाई, बड़ा सा बॉडी का शेप बनाया, हेड का शेप बनाया, ईयर के शेप्स बनाए। उसके अंदर मीडियम शेप्स क्या हो गई, आँखों का शेप मीडियम शेप है। उसके अंदर और डिटेल पे जब जाएंगे तब जाके वो स्मॉल शेप हो जाएगा, है ना। गिव मी एट 100 की ड्रॉ योर फैंस। 100,000 लोगों को ड्रॉ करते करते मैं रिटायरमेंट प्लान बना लूँगा उसको, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ करने का टाइम नहीं बचेगा। ओके सो नाउ इसके ऊपर मैं इसे थोड़ा सा बॉडी में जहाँ जहाँ पे मुझे अलग अलग कलर्स करने हैं ना, उनको अलग अलग पैटर्न बना के रख लेता हूँ। सो आई कैन डू दैट इन एन ईजी मैनर विदाउट हैविंग टू पेंट एवरीथिंग लाइक हाउ वी डिड। इससे पहले हमने बार बार पेंट किया था ना, वैसे करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बॉडी पे ये वाला एक हो गया, देन देयर इज़ अनदर वन विच इज़ समवेयर अराउंड हियर। कमेंट्स भी पढ़ूँ साथ में। इंडिया में डिजिटल आर्टिस्ट बहुत कम है, वन ऑफ देम इज़ आत्मा। थैंक यू दक्ष फॉर सेइंग दैट। यार डिजिटल आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि कम है, बट यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं है। एंड देर आर वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट जो लोग अभी यूट्यूब पर उतना काम कर नहीं रहे हैं। ये क्या कॉर्पोरेट का म्यूज़िक बजने लग गया, ये कॉर्पोरेट पे कोई ऐसा लग रहा है ना, डिनर में गए हुए हैं, डिनर में अभी आके वो स्टार्टर सर्व करने वाला है, ऐसे कोई म्यूज़िक बजने लग गया है। लेट मी चेंज इट। एवेंजर्स 100 के ड्रॉ इन वन लेयर चैलेंज। बर्नाली भट्टाचार्य वेब डन इट यार, वो तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं हम। एक लेयर पर तो मैं कर चुका हूँ आर्टवर्क्स, डन इलैबोरेट आर्टवर्क्स। यार ये कलर सेलेक्ट हो गया कोई। अभी नोज के लिए एक और शेप बना रहा हूँ ऐसा। ओके देखो ये जो ब्रॉड शेप हमने बनाई थी पहले वाली, उसमें आपको शायद दिख रहा था कि ऐसा राउंड सा एक शेप है जो सामने की ओर आ रहा है। एंड उसके ऊपर अभी मैंने जाके डिटेल ऐड की है, जहाँ पर माउथ टर्न होता है और नोज़ जहाँ पे होनी चाहिए उनके लिए, है ना। देन आइज़ के लिए यहाँ पे एक शेप एंड देन अनदर शेप हियर। ये आइज़ के अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है ना, वो ही है। यस एक टाइम आएगा जब आपकी स्ट्रीम पे 1 मिलियन व्यूज 5 लाख लाइक्स आएंगे और आप ट्रेंडिंग पे आ जाओगे। माय गॉड, लेट्स वेट फॉर दैट डे इफ इट एवर कम्स। अब मैं किसी चीज़ को भी ना नहीं बोल सकता यार, लाइक इफ थिंग्स आर वर्किंग वेल देन शुड बी ग्रेटफुल। I want to make an animation art channel. You are my inspiration. Thank you so much Niharika for saying that. You should do it. मैं इतना ही बोलूँगा कि जल्दी स्टार्ट करो। जो भी करने का प्लान है आपका, जो भी बनाना चाहते हो, करना चाहते हो लाइव, या फिर आप चैनल बनाना चाहते हो, तो you should do it immediately. Even if you have, you are a student, even if you are working, अगर आपको एक हॉबी की तरह भी करना है, do it ना, चालू तो करो। Then you will गेट टू नो कि क्या अच्छा लग रहा है लोगों को, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड स्लोली स्लोली फ्रॉम देयर यू विल बिल्ड एंड यू विल गेट गुड। ठीक है। अभी मैं कलर करता हूँ, लेकिन आई विल डू कलरिंग इन ए डिफरेंट वे। इससे पहले जैसे किया था वैसे नहीं करेंगे। ये वाला जो लेयर है इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ। अब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, द सेम वे वी डिड कलर्स फॉर सम कैरेक्टर्स दैट वी डिड, है ना। एक सिलेक्शन टूल ले लिया, लेकर अब एजेस जहाँ जहाँ से जा रहा है वहाँ से मैं इसमें आई विल मेक अ सिलेक्शन। ये जो लासो टूल है ना, इसको पिक करके ऐसे सिलेक्शन एक बनाऊँगा जहाँ पे भी ये कैरेक्टर का बॉडी है वो पूरा सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। इवन इफ एक बार में अच्छे से ना बने चलता है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे टैप करोगे एंड देन यहाँ से आप इस तरह से ऐड कर सकते हो इसके ऊपर। ओके और लेग्स के पास भी सेम, जस्ट कंटिन्यू विद द सेम थिंग एंड ऐड मोर टू इट। जैसे ऐड करते जाओ करते जाओ, अगर वो शेप ठीक से बना भी नहीं तो इट्स ओके, फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हो बाद में जाके, है ना। मेक अ फुल ट्यूटोरियल ऑन प्रोक्रिएट। यार प्रोक्रिएट पे बनाया हुआ है ऑलरेडी, ट्यूटोरियल्स हैं प्रोक्रिएट के, इन द सेंस प्रोक्रिएट की टिप्स वगैरह के वीडियोस बनाए हैं। इससे पहले आर्टवर्क्स भी बनाए हैं प्रोक्रिएट पे स्ट्रीम पर, वो आप देख सकते हो। एनिमे गर्ल का फुल बॉडी इलस्ट्रेशन एक बनाया है हमने, वो वाला पूरा का पूरा प्रोक्रिएट पे है एंड उस पर आप शायद काफ़ी कुछ सीख पाओगे प्रोक्रिएट के बारे में। आप में से कितने लोग अभी बना रहे हो मेरे साथ? स्वराली जाधव, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वी आर गोइंग टू डू अ 2 आवर स्ट्रीम ओनली, ठीक है, 2 घंटे, लाइक टिल द पॉइंट। 2 घंटे तक हम जितनी बिल्लियाँ बना पाएँ, आप लोग जितनी बिल्लियाँ बना पाओ, मैं जितनी बिल्लियाँ बना पाऊँ उतना बनाएंगे हम, ठीक है। देखो एक बेस शेप के लिए मैं पूरा का पूरा ऐसा बिल्ली को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसके बाद ये लेयर अलग बना हुआ है ना, यहाँ पर मैं कलर पिक करता हूँ, से दिस काइंड ऑफ अ येलोइश शेड एंड पेंट बकेट लेकर गैप रिकग्निशन, दिस डज इट बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं। ऑलरेडी इसमें लाइन्स बनी हुई है ना, इट्स अ गुड एंड अ बैड थिंग। समटाइम्स इट्स अनोइंग बिकॉज मैं इसको हाइड कर सकता था उस लेयर को पूरी तरह से। सिंपली पेंट बकेट लेकर आप किसी भी लेयर पर अगर टैप करते हो तो जो भी सिलेक्शन है उसके अंदर कलर भर जाता है। इस तरह से कलर भर गया। अभी मैं सिलेक्शन को हटा देता हूँ, लैसो टूल पे जाके डीसेलेक्ट कर देता हूँ, तो डीसेलेक्ट हो गया। अब इस लेयर के ऊपर अब मैं क्लिपिंग टूल्स एंड एवरीथिंग वापस दिखाने वाला हूँ आपको। अगर नहीं समझ में आता, अगर आपने आर्टवर्क्स इससे पहले वाले स्ट्रीम्स वगैरह नहीं देखे हैं तो ये देख लो ध्यान से। ये जो बेस लेयर है इसके ऊपर एक क्लिपिंग लेयर बना रहा हूँ, नया लेयर बना हुआ है। इस पर अगर क्लिपिंग पे टैप करता हूँ तो जो लेयर ऊपर वाली है नीचे वाली लेयर पे क्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी आप पेंट अप्लाई करोगे वो उस लेयर की बाउंड्रीज के अंदर ही रहेगा, है ना। तो अब देखो मैं कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ, सपोज बहुत सी डार्क ब्राउन ऐसा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और अभी दूसरी लेयर पर चल रहा है, दूसरी लेयर पर चल रहा है। फिर से मैजिक वो लैसो टूल उठा लिया जिससे मैं सिलेक्शन बनाऊँगा, तो ऐसे करके सिलेक्शन बनाओ, जो सिलेक्शन जहाँ पर भी आपको कलर करना है वहाँ पर इस तरह के सिलेक्शन बना दो। अब देखो कि ये सिलेक्शन इस लेयर के बाहर भी जा सकती है, क्यों? क्योंकि ये लेयर को हमने इसके नीचे क्लिप किया हुआ है। मतलब अगर मैं पेंट बकेट लेकर इसमें फिल करूँगा तो सिर्फ उसके बॉर्डर्स तक ही फिल होगा, है ना। प्रणय दत्ता सर टेल मी माई नेम, यू वॉन्ट मी टू से योर नेम इज वॉट यू आर सेइंग। टुडेज पार्ले जी वीडियो वॉज ऑसम, अमेजिंग, और वाओ, थैंक यू सो मच स्वराली फॉर सेइंग दैट। यार ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस करने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है अभी, बिकॉज वो कुछ अलग तरह से दिखती है ना, पहले कुछ और होता है और चेंज होकर कुछ और ही हो जाता है। वेक्टर आर्ट कैसे बनाते हैं, ट्रेस करके या बिना ट्रेस करे? यार मैं वेक्टर आर्ट उतना करता नहीं हूँ, बट जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो लोग इमेज को नीचे रखते हैं, उसको ऊपर ट्रेस करके उस तरह से एक शेप बना देते हैं बेसिकली। जहाँ पर हाईलाइट्स हैं वहाँ पे हाईलाइट्स बना दिए, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क बना दिया, वैसा। देखो जो भी लेयर आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको हाइड भी कर सकते हो। हाइड कैसे कर सकते हो? हाइड इन द सेंस सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? ये सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, इसमें जाओगे एंड जाकर ऐसे सिलेक्शन बनाओगे आप तो वो एरेज कर देगा, ओके okay? और यहाँ से इवन इफ़ यू वांट टू एरेज आउटसाइड वो भी कर सकते हो, है ना। तो एरेज करके और सब्ट्रैक्ट करके सिलेक्शन में से ऐसी एक शेप बच जाती है। वापस से पेंट बकेट लिया, सेम कलर वापस से फिल कर दिया। कर रहे हो आप लोग ना, सम ऑफ यू आर डूइंग इट आई नो। वापस अभी फेस के ऊपर भी वही चीज़ करते हैं, जहाँ पर भी हमें लग रहा है ये कलर डार्क कलर होनी चाहिए, वहाँ पर भी ऐसा सिलेक्शन बनाया, पेंट बकेट लिया, भर दिया, ओके। डू नॉट वरी कि एकदम परफेक्ट करना है क्योंकि ये अलग लेयर पर है, इसको हमेशा चेंज कर सकते हैं हम लोग। लास्ट पे गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और डीसेलेक्ट कर दिया। ये आउटसाइड सिलेक्शन वाला टेक्स्ट जो है वो जा ही नहीं रहा यार, हाँ चला गया। एनीवेज नाउ वन अनदर सिलेक्शन दैट आई विल मेक, दूसरे आई के उस साइड, वहाँ पे भी जाके पेंट बकेट लिया और भर दिया, ओके, डीसेलेक्ट, राइट। मॉड बनाओ, 3 आवर्स में सारा सर्वर सेट कर दूंगा, आई प्रॉमिस इट। हाय आयुष, करना है यार, मैं चाहता हूँ करूँ लेकिन मैं उसमें टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। वीडियोस भी बनाने होते हैं, स्ट्रीम्स का अपना प्लान चल रहा होता है, अदरवाइज काम कुछ और ही चल रहा होता है, यू नो, रेगुलर वर्क जो रहती है वो भी हो रहा होता है। सो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, करेंगे। आई हैव बीन सेइंग कि सर्वर को प्रॉपरली सेट करेंगे। यार आप लोग को अगर गेमिंग वगैरह करने का इंटरेस्ट है, मेरे साथ गेम्स खेलना चाहते हो, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते हैं वहाँ पर, डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग साथ में गेम्स खेलते हैं। वी प्ले, हमने फ्री फायर खेला था अभी रिसेंटली, और कल या परसों जब भी इन द नियर फ्यूचर वील प्रॉबेबली प्ले अमंग अस वंस अगेन। आत्मा एक्स्ट्रा करके वीलॉग वाला चैनल बनाना, यार हमने इसी चैनल पर ही सब कुछ कर दिया। सुनाना के साथ मैंने इस चैनल पर कुछ वो भी किया हुआ है, क्या कहते हैं, मीम रिव्यू भी किया हुआ है वैसे, क्योंकि वी थॉट वाई नॉट, लाइक कुछ अलग करते हैं चैनल पे, एक ही चीज़ आर्ट पूरे टाइम आर्ट करने के बजाय कुछ और भी कर सकते हैं। आप लोग अगर वॉच पार्टी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो शायद हम लोग साथ में कुछ देख भी सकते हैं, इन द सेंस अगर आप लोग को साथ में, व्हाट डिड आई डू शिट, हाँ फेल हो गया यार, फेल, मैंने डीसेलेक्ट कर दिया सेलेक्ट करने के बाद। अगर आप लोग साथ में कुछ देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, इट वुड बी फन। मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा साथ में कुछ देखने में, क्योंकि एनीमे मैंने ज़्यादा देखा नहीं है और आप लोग तो एनीमे के बहुत बड़े फैंस हो, और आप लोग बता सकते हो कि क्या देखना है साथ में, एंड वी कैन ऑल वॉच टुगेदर। एडिशन वेंकी फेल पे फेल कर रहा है बिल्कुल गंदे तरीके से। पीपल आर वॉचिंग, वॉट आर यू डूइंग, दिस इज ऑल्सो। मैं पता है क्या, सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन लेकर अभी सिलेक्शन बनाने निकला था, इसका मतलब है जहाँ पे सिलेक्शन नहीं है उसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आपकी हाइट कितनी है फीट्स में बताना, आप लोग गैस करो, आप लोग गैस करो, चलो ये गैस करो अभी, आई वॉन्ट टू सी वॉट यू गाइज थिंक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं ना, आप लोग को क्या लगता है बताओ। यूज लाइट रेड ऑन फॉर नोज, यस आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, हम लाइट रेड नोज बनाएंगे। कितनी हाइट होगी यार मेरी, कितनी हाइट होगी मेरी, KGF 2 विथ आत्मा, आपका मतलब है KGF 2 का आर्टवर्क बनाऊं, आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग। मैंने KGF मूवीज नहीं देखी यार, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को ऐसे डिसअपॉइंट करता रहता हूँ। मेरे को पता है आपको कि KGF का बहुत बड़ा फैन बेस है, ऑल्सो जैसे एनीमे का है, एनीमे में भी आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं अनफॉर्चुनेटली। देखा, वापस से सिलेक्शन किया, 6 feet 2, -5 feet, 5 feet 9, 7 feet, 100 feet, बहुत ही छोटा रेंज है, मतलब -7 feet से लेके 100 feet तक सारी हाइट्स बता दी आप लोगों ने। ब्लेंडिंग सिखाई है, तीर्था शंखे, देर इज़ अ वीडियो ऑन हाउ टू ब्लेंड कलर्स, आई थिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो होता है, गो हैड एंड चेक। 6'2" मैं थोड़ा लॉन्ग शॉट में नज़र आता हूँ, तो आप लोग गैस करो कि सही में कितनी होगी हाइट, इतना दूर आ गया हूँ मैं अभी। 389, 400 पे अनदर क्या कहते हैं हैप्पी डांस करते हैं, I'm just थोड़ा पीछे आ गया मैं अभी, इतने में देख के गैस करो आप लोग। 390 हो गया है, 10 मोर एंड अगर 10 हो जाता है तो वापस आने से पहले ही मैं हैप्पी डांस करके वापस जाता हूँ। ड्रॉ विथ आत्मा सर आई एम 6'2", क्या बात कर रहे हो, इससे कुछ तो आइडिया आ जाना चाहिए। यार मैं 5'9" हूँ, 5'8" 5'9" के बीच में। 7 8.5 जायंट ही बना दो, बिल्कुल एवरेज हाइट है यार, बिल्कुल एवरेज हाइट है। ठीक है, नाउ आई हैव मेड अ सिलेक्शन। अभी मैं मैजिक वॉन्ड हटा देता हूँ एंड मैजिक वॉन्ड नहीं, लासो टूल हटा देता हूँ। ये सारा कुछ एक सेपरेट लेयर पे हो रहा है। आई थिंक ये लेयर इसके नीचे आ सकता है। अगर इसके नीचे ले आऊँ मैं तो देखो इसी लेयर को पकड़ के ऐसे नीचे ले आया तो अभी थोड़ा क्लीन हो गया ना, तो अभी थोड़ा क्लीन हो गया है। 100 मेरा गेस सही था। यस, ऑलमोस्ट देयर, 5'8" और 5'9" के बीच में। ओके, सो ब्लैक लेयर जो है उसी लेयर पर या फिर उसके ऊपर एक और लेयर बना सकते हैं हम। एक और नया लेयर बना दिया और इस लेयर पर जाकर मैं एक रेड कलर का नोज़ बना देता हूँ जैसा आपने सजेस्ट किया है। आई विल गो अहेड एंड 391 अटका दिया यार आप लोगों ने, कर दो, मैं हैप्पी डांस करने को तैयार हूँ। 9 मोर एंड वी विल डू अ स्मॉल लिटिल ठीक है। माउथ के लिए भी मैं वही कलर यूज कर रहा हूँ जिस कलर से मैंने अभी उसकी नोज बनाई है। 393, यस, आई थिंक हम लोग आज सही में कुछ रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। 394 हो गया, यस यस, वी आर गेटिंग देयर। हु इज दिस, लाइक किए हुए को अनलाइक भी कर रहे हो क्या? देखो यहाँ पे जो नया लेयर बनाया हुआ है उसी लेयर पर मैं जाकर अभी एक व्हाट हैव आई डन, छोटा कर देता हूँ इसको। ये कौन सा ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है मैंने? अच्छा, इसलिए हो रहा है ऐसा। लेट मी गो हेड एंड सेलेक्ट वाटर कलर, नहीं, गुआश ओपेक इज माई सेफ ब्रश टू यूज़ क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसे बिहेव करता है। हाय, प्ले विथ आत्मा पे GTA 5 खेलना स्टार्ट कर दो ना यार। है मेरे पास GTA 5, मैं खेलना चाहता भी हूँ। करेंगे, जल्दी करेंगे। बट GTA 5 यार, कैन आई प्ले विथ यू, लाइक कैन वी प्ले मल्टीप्लेयर? वो व्हाट वाज दैट? महा फेल वेंकी का महा फेल हो रहा है अभी। लेट मी पिक द राइट ब्रश। म्यूजिक बंद हो गई है क्या? शुड आई प्ले द म्यूजिक? यस म्यूजिक, नो म्यूजिक, टाइप करो कमेंट्स में। ऐसे शांति अच्छी लग रही है या फिर म्यूजिक चाहिए? फेल्ट टिप हार्ड, लेट्स यूज़ दिस। हाँ, तो इसको यूज़ करके लेट मी गो अहेड एंड कलर द आईज रीजन। इसके बगल में है, ठीक है, कर सकते हैं वैसे, नॉट टू वरी। यस 404, यस म्यूजिक, नो म्यूजिक, कौन से ज़्यादा आ रहे थे? ऋत्विज म्यूजिक। शांति अच्छी है, थोड़ी देर के लिए शांत रखते हैं फिर म्यूज़िक चलाते हैं तो थोड़ा सा अलग लगेगा, है ना? अभी वापस से आइस में जहाँ पर हमने लाइट कलर किया था उसके ऊपर वापस से डार्क कलर लेकर फिर से कलर कर देते हैं। 406 आत्मा आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक्स अ लॉट फॉर 400 लाइक्स यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। आप लोग, मैं आपको बोल देता हूँ और आप लोग कितने स्वीट हो कि आप करते हो सपोर्ट यार, दिस इज़ व्हाट मीन्स अ लॉट। एनीवेज, इसकी मैं इसी ब्रश से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ें रिफाइन करना चाहता हूँ, ये देखो, ये ओपेसिटी है ब्रश की, है ना, एंड ये जो है वो छोटी और बड़ी कर सकते हो ब्रश को। ओपेसिटी का मतलब कितना ज़्यादा ओपेक है ना? सर कैन यू ड्रॉ डीमन स्लेयर? डीमन स्लेयर क्या है यार? अगर गेम का कैरेक्टर है, आई थिंक इफ़ यू हैव, आई मीन इफ देर इज़ अ कैरेक्टर, आई थिंक आई कैन ड्रॉ इट, आई थिंक आई कैन क्रिएट समथिंग दैट इज़ एग्जिस्टिंग। बट अगर कुछ नया क्रिएट करना है, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट इज़ चैलेंजिंग। तो जो है उनको तो बना ही रहे हैं यार। किसी ने सजेस्ट किया था मुझे कि अपना OC बनाओ, वो नहीं किया है मैंने अब तक, क्योंकि अगर अपना OC बन जाएगा तो आई थिंक काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इट विल बिकम समथिंग दैट इज़ ट्रूली आवर्स, यू नो आठवां आर्मी का होगा वो बिल्कुल। ये देखो ये लेयर इसके ऊपर है और ये लेयर इस पर क्लिप्ड है, तो इवन इफ़ आई वांट टू आई कैन, मैं बाहर नहीं जा सकता इससे, है ना। तो इसलिए ये जो लेयर है जो क्लिप नहीं है, ये क्लिप नहीं किया हुआ है, इस लेयर पर जाकर मैं कुछ डिटेलिंग करता हूँ। जैसे कि इसकी बॉडी की एज जो क्लीन नहीं है उसको थोड़ा सा क्लीन अप कर रहा हूँ, एंड इसके ऊपर और कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ऐसे कि वो बाल जैसा लगे, फरी सा लगे। एंड इसकी भी एजेस क्लीन अप कर रहा हूँ। गाइज आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस जैसा बन रहा है, एंड आई होप यू आर डूइंग इट ऑल्सो। जो स्केच लेयर है ना वो अलग लेयर पर है, इसको मैंने बंद कर दिया तो देखो वो स्केच गायब हो जाती है। जो आई वाला बटन है ना, ये वाला बटन अगर आप ऑन ऑफ करोगे तो वो दिखता है या छुप जाता है, तो मैंने अभी इसको छुपा दिया है। और उसके नीचे ये वाला जो लेयर है, कहाँ गया ये जो लेयर है जिसमें हमने वाइट बनाया था, उसका मैं अभी अल्फा लॉक कर देता हूँ। अल्फा लॉक का मतलब क्या होता है, किसी लेयर पे अगर आप अल्फा लॉक कर रहे हो इसका मतलब है कि उससे पेंट बाहर नहीं जा पाएगी पेंट करते हुए। तो अब मैं इस वाले लेयर पर थोड़ा सा डार्कर कलर लेके इसमें थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूँ, यानी कि जो भी पार्ट बॉटम पे है उसको थोड़ा डार्क बना देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इसमें और कैरेक्टर आ जाए, है ना। इफ़ इट्स टू डार्क देन मे बी इस कलर को पिक करके थोड़ा लाइट कर देता हूँ मैं, लाइट करके पेंट बकेट से मैं भर सकता हूँ उसमें, है ना। What do you guys think? एंड इन सब के ऊपर जहाँ भी डिटेलिंग करनी है मैं अलग ही लेयर पर, जहाँ भी डिटेलिंग करनी है अलग ही लेयर पर ऐसे ब्रश का साइज़ छोटा करके कुछ लाइंस वगैरह ऐड कर रहा हूँ। एंड वेट, हाँ, कुछ लाइंस वगैरह ऐड करके इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग लेयर पर है ये सब। गैल शेर को जानते हो सर? दक्ष गेमिंग हमने एक स्ट्रीम किया था यार अभी, आई थिंक लास्ट वीक ही वो स्ट्रीम किया था जहाँ पे गैल शेर स्टाइल इलस्ट्रेशंस ही किए थे, तो आप वो स्ट्रीम भी देख सकते हो। अच्छा हो गया यार, आप लोग जो भी रिक्वेस्ट पूछ रहे हो या जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, तो आई थिंक वी हैव बीन एबल टू क्रिएट सम गुड नंबर ऑफ आर्टवर्क्स एंड गुड वॉल्यूम ऑफ कॉन्टेंट। आर्मी स्टैंडिंग कैट पोज, बहुत शांति हो गई मेरे को यहाँ पे, काफ़ी शांति लग रही है क्योंकि अब तक म्यूजिक चल रहा था। यस, और इसके ऊपर एजेस पर जहाँ पर भी बॉडी का पूरा एज है ना, बाउंड्री है, वहाँ पे कुछ हेयर ऐसे कॉर्नर्स में आप दिखाओगे कि निकल रहा है, तो इट लुक्स नाइस, it looks nice, it look like there is some hair growing here and there in the corners, and it look nice as a thing on the character or the Billy that we are making right now, you know. Mustaches again, and इस side पे क्योंकि वो black पे दिखेगा नहीं तो we'll use white to make the mustache. Black पे black नहीं नजर आएगा ना, तो I'm using white. Yes, which stylus are you using? I am using an iPad and Apple Pencil. That's the combination that I am working with. Yes, 411 likes. I think this is one of the highest we have reached on a stream while it is live. तो कुछ करना पड़ेगा लगता है आपके लिए, कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर बातें करनी है आपको, चिट चैटिंग। और डू यू वांट टू सी मोर बिलीज, और बिल्लियाँ देखनी है? मैं जानना चाहता हूँ यार आप लोग चैनल पे और क्या देखना चाहते हो, क्योंकि अब तक हमने काफ़ी आर्टवर्क रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड ये सारी चीज़ें तो हमने की हैं, और काफ़ी अभी ट्रांसफॉर्मेशन भी आर्टवर्क्स हो गई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना वी कैन ब्रेनस्टॉर्म, मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ ब्रेनस्टॉर्म करूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आइडियाज़ जो मेरे दिमाग में थी वो मैंने किए हैं, और कुछ आइडियाज़ और हैं मेरे पास जो मैं अभी बताना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप लोग देखते हो तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है ना कि एंड में ऐसा कैसे बन गया। आई वॉन्ट कीप दैट इंटैक्ट, वो रहना चाहिए, थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए उसमें। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ आइडियाज़, शायद यहाँ से पिक कर लूँ मैं अगर अच्छा लग जाए कोई। तो बातें करते हैं कुछ 5 मिनट के लिए, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट आइडियाज़। आपके दिमाग में जो भी है मेरे को बता सकते हो। रिफाइन कर रहा हूँ यार, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है एजेस को रिफाइन करने के लिए, तो वहाँ पे मैं बस इसको इधर उधर से डायरेक्शन चेंज कर करके आई एम ट्राइंग टू रिफाइन दी एजेस ए लिटिल बिट टू मेक इट लुक नाइसर। ये वाली जो लेग है ना वो पीछे है ना, चिकन व्हाट chicken, if you are non vegetarian then do chicken leg piece dance। जो chicken I am a non vegetarian actually, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना ये चिकन बिरयानी रखी हुई है, I wanted to eat, मैं खा नहीं पाया, मैं अभी थोड़ा खा रहा हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो गया है बट आई थिंक दैट्स ओके। शिट बच्चे जैसे गिरा लिया मैंने अपने ऊपर। मेरे को बेल्ट, बेल्ट का मतलब कॉलर, आप कॉलर कह रहे हो ना। हाय विष्णु हाय यार, थको मत, जब ज़्यादा चैट चल रहा होता है तो मिस हो जाता है, बट अभी पढ़ रहा हूँ ना। सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ योर सेल्फ, और यू मीन मैं अपना पेंटिंग खुद बनाऊँ? यार वो एक मैंने पेंटिंग बनाया हुआ है, टून मी करके एक चैलेंज आता है, उसमें मैंने अपना बनाया था। That's there on Instagram, आप देख सकते हो। Cat tree staring at butterfly, अच्छा जो ऊपर की ओर देख रहा है उसको आप चाहते हो कि वो बटरफ्लाई की तरफ देखें। We can do that, we can do that। Looks like a happy cat, no? बहुत खुश है, जैसे बाहर जा रहा है, बिल्कुल मस्ती कर रहा है। I hope you guys don't mind, मैं खा रहा हूँ स्ट्रीम के बीच में, आई एम सॉरी, वो भूख लगे यार। Demon Slayer is an anime. We'll do that, we'll do that. Be live on Play with Atma, करेंगे। आई वॉन्ट टू डू दैट, अभी रिसेंटली किया था और हमने साथ में गेम्स भी खेली थी। This kitty cat looks mischievous, shimmering Shaima is saying। इसमें और डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, ब्रश का साइज छोटा कर दिया। यार मैं आई एम अ बिग फूडी, पता है मेरे को खाने का बहुत शौक है, मतलब मैं लाइक आई विल ट्राई एनीथिंग पीपल विल रेकमेंड, एंड अलग अलग जगह के खाने, अलग अलग तरह के चीज़ें, और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ वैसे तो, मैं नॉन वेज वगैरह मेरे को बहुत पसंद है। तो सुनैना इज़ ऑलवेज, सुनैना का ऐसा है ना, शी इज़ नॉट लाइक अ हार्ड कोर फूडी फूडी, शी लाइक्स गुड फूड, बट ऐसा नहीं है कि यार बहुत सारी टेस्ट ट्राई करनी है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, ऐसा नहीं रहता है। एंड आई एम लाइक हमेशा कुछ नया खाना है, कुछ नया नया करना है। अर्थक्वेक इन दिल्ली, व्हाट गाइज आप लोग ठीक हो? आई होप व्होएवर इज इन दिल्ली इज डूइंग ओके। शिट अभी तो मेरे इमीडिएट आई डू नॉट नो एनीबॉडी। इज इट बैड, इज इट बैड? यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। वेट वेट वेट, मैं न्यूज़ चेक कर रहा हूँ यार, 1 सेकेंड ना। F in chat if you are foodie। यार 1 सेकेंड ना। Tremors felt 2.8 ना, I think it's not that severe। No reports of any damage or injuries, ठीक है, तो I think it's not severe यार। Oh my god, I just thought कुछ खतरनाक ही हो गया होगा। Nothing dangerous, I think 2.8 is okay। ठीक, थोड़ा सा tremors feel हुआ होगा, बहुत तेज था यार। आप लोग अगर घर के अंदर हो तो प्लीज़ बाहर आ जाओ, गो इन टू एन ओपन एरिया, जो भी दिल्ली में है। प्लीज़ डू नॉट बी इन लाइक अ बिल्डिंग और एनीथिंग। सॉरी मेरे को भूख लगी है तो मैं खा रहा हूँ। आई होप दिस इज नथिंग सीरियस। एरन येगर मतलब, एरन येगर, लेट मी गूगल इट। एरन जीगर, कैट में आपको कोई अटैक ऑन टाइटन का कैरेक्टर है क्या? ओह वी कैन डू दैट एज वेल। या डीजे कुन आर्ट्स, अभी मैंने देखा किसी ने बोला था 7.5 व्हाट वापस आया क्या? व्हाट इज गोइंग ऑन मैन? 1 सेकेंड अभी मैंने देखा 2.5 कुछ था, इन अफगानिस्तान, यानी कि मतलब थोड़ा डेंजरस है यार ये तो। यू डिड वन एल्सा वीडियो, सॉरी आई थिंक आई हैव सीन सम न्यूज अबाउट अर्थक्वेक फेल्ट इन दिल्ली 2 वीक्स अगो, बट ये कहाँ पे, वेयर आर यू गाइस सीइंग दिस? गाइस अगर आप लोग अंदर हो घर के वगैरह तो प्लीज बाहर चले जाओ और प्लेन ग्राउंड में रहो या फिर रोड के बीच में चले जाओ कहीं पे। Damn it! I hope everything is okay. 1 second. Now. Let me ask Sue if everything is okay. Gaming channel खोलो bro. Pooja Das already है gaming channel यार. Play with Atma नाम है उसका, but I think right now we are in a middle of an earthquake. कुछ अर्थक्वेक हुआ है आई थिंक दिल्ली में, चार्ट इज टेलिंग मी 7.5 कुछ का, जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज ओके ना। आई एम नॉट एबल टू चेक, अभी मेरे को न्यूज़ पे कुछ मीडिया आ नहीं रहा है अपडेट वैसे। यहाँ पे क्या आवाज़ हो रही है? यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, दिस इज़ हैदराबाद, दिस इज़ वेरी फार अवे, वो धड़ धड़ की आवाज़ आ रही है। गाइस जो भी बिल्डिंग्स के अंदर हो दिल्ली पंजाब उस रीजन में, बाहर चले जाओ प्लीज़, इट्स ओके इफ़ यू गाइस आर लाइक नॉट वाचिंग दिस कॉन्स्टेंटली और लाइक जस्ट बी सेफ। मैं कंटिन्यू करूँ? व्हाट डू वी डू? इज दिस समथिंग वेरी बैड? कैन वी डू कॉम्पिटिशन्स ऑन योर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब प्लीज? डीजे कुन आर्ट्स, we can do something, I mean we can do। मैं यार जो भी वहाँ पर हो, can you tell me what is happening? Is it like very bad? Are you guys okay? I see that the Soham we have among us in other account। Yeah we played yes। Beginner का लिए tablet purchase करना चाहिए, iPad या stylus की price क्या है? यार आपको जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड रिकमेंडेशन चाहिए ना, वाई डोंट यू कम टू इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट विथ मी, मैं देखता हूँ या आपसे बात करता हूँ वहाँ पर। गाइस कैन एनीबडी प्लीज़ टेल मी व्हाट्स हैपनिंग? सब कुछ ठीक है? अगर नहीं तो फिर आई डोंट वांट यू गाइस टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस। जो भी दिल्ली और उस रीजन में है, दिल्ली या फिर पंजाब या उस जगह पर है, प्लीज़ गो टू अ सेफ प्लेस। Sir, not too much quake, sir. Don't worry. Okay. All right. इतना ज़्यादा नहीं है, then we can continue. I'm just wondering कि बहुत ज़्यादा severe तो नहीं है, क्योंकि Gujarat ones whenever they happen they're very bad. I'm in Bangalore, so I have no idea. Okay, no problem. It's okay in Delhi. चलो ठीक है, fine. हाँ. Yes, the Great Kento. I will search. The Great Kento. अभी हमारे पास अराउंड 15 मिनट और हैं। What do you guys want to do? It's 1 hour 46 minutes. We have another 15 minutes or so. क्या करना चाहते हो आप लोग बताओ। 2-3 बिल्लियाँ बनाई हैं हमने। I hope आप में से कुछ लोगों ने बनाई होंगी। Images. The Great Kento. ये कोई चैनल है? Kento Bento करके कुछ तो आ रहा है YouTube पर। उसकी बात कर रहे हो क्या? बजिंग साउंड, हेलो सॉरी गाइस। हेलो हेलो, बेटर? ठीक हो गया? आई होप इट्स बेटर नाउ। नो ऑडियो, आई नो आई हैड रिमूव्ड इट। अभी आई थिंक आ रहा होगा। आ रहा है? नो साउंड? हेलो, साउंड साउंड, वॉइस ओके टाइप करो, वॉइस ओके। नाउ फाइन, ऑल गुड, ओके 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 ओके। पता नहीं यार, ये जो भी मेरे पास ऑडियो के लिए जो कन्वर्टर है ना, उसकी वजह से हो जाता है। ओके, मेन अर्थक्वेक इन जम्मू, मंथन सोलंकी इज सेइंग। अफगानिस्तान वगैरह तक तो गया है, तो आई थिंक अफगानिस्तान से लेके आपका जम्मू एंड दिल्ली वो सारा इफेक्ट हुआ होगा। बट आई हैव टू सी यार व्हाट एवर हैपेंड। एनीवेज, इसकी बात करते हैं। बताओ, व्हाट डू यू वांट टू डू? वी हैव 12 मोर मिनट्स, वी कैन डू मोर आर्ट और वी कैन टॉक। व्हाट डू यू वांट टू डू? आर्ट, टाइप आर्ट, टॉक, से टॉक, वी विल डू दैट। Tell me, army, we are at 431. Competition, आप लोग चाहते हो competition करें? Among us. I think I'll have to replace this thing. मैं नहीं चाहता कि आप लोग को ऐसी दिक्कत हो यार बार बार। अभी ठीक है? सॉरी, माफ कर दो आर्मी, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। वो बीच बीच में आ जाता है वो बजिंग नॉइज, इट्स वेरी अनोइंग, आई नो। अभी आ रहा है साउंड? बेटर बेटर, ऑल गुड, ओके। प्लीज ड्रॉ एरन येगर। आई विल चेक यार, मैंने हेलो हेलो हेलो, बेटा? I just put some music so you guys don't Discord connect करो, we will do that. Low voice, फिर से बस आ रहा है, क्यों आ रहा है यार ये? I don't know, like I think I have to change this equalizer that I'm using, equalizer या जो भी है, जो जिसको भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। हाँ, आई नो बीच बीच में इशू चल रहा है, लाइक व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट। आई विल सॉर्ट इट, बाद में करता हूँ मैं, अभी तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। आई होप एवरीथिंग इज गुड नाउ। नो नो नाउ, ओके, अच्छा ठीक है। तो वी कैन टॉक फॉर लाइक 10 मिनट्स। आई विल मेक माई विंडो बिग। ये 3 बिल्लियाँ हैं आप लोगों के लिए, जो भी बातें कर रहे थे हम लोग। वी कैन कंटिन्यू ऑन दैट। स्पीड पेंटिंग वाला यहीं रहेगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी चीज़ें आप बात करना चाहो, मैं फूड की बात कर रहा था, तो मैं आपसे बात करते करते खा सकता हूँ ना? कैन आई ईट एंड टॉक? आई कैन बी ईटिंग एंड टॉकिंग नाउ। 1 सेकेंड, इसको छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, मैं बड़ा हो जाता हूँ। लो साउंड। हेलो बेटा, यार मेरे को पता है क्या, आई नीड समबडी टू मैनेज द स्ट्रीम, जो सब कुछ ये सारी इश्यूज आती रहती ना, यू कैन हेल्प मी। सर व्हाट इज सॉन्ग नेम? यार अभी जो चल रहा है उसका नाम है ड्रॉप्स इन माइंड ले गैंग। आई विल जस्ट टाइप इट। बीच में कुछ तो आने लग गया था। दिस इज द नेम ऑफ द सॉन्ग। वैलेंटाइन स्पेशल बनाओ। क्या बनाए यार वैलेंटाइन स्पेशल? आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? अरे हाँ, आप लोगों से आई शुड आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू आर सिंगल, हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकन, हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड? इज एनीबडी मैरिड हियर? चलो, सिंगल, टेकन, मैरिड, प्लीज कॉमेंट, आई वॉन्ट टू नो। एंड दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, आई एम सिंगल, आई एम एब्सोल्युटली सिंगल। एंड I want to see the comments coming in, so I know how many of you. Chaitu Shekharan is saying single. Parleji girl OP, thank you so much. I am 11. आप लोग तो यार अभी स्कूल में हो। Single mingle, I'm a kid. Okay. Single passenger, एक single ticket. Single mingle सारे single चल रहे हैं। Speaking of food, have you tried shawarma? Oh my God, I love shawarma. कितना time हो गया खा के यार? मैं खाते खाते बात कर रहा हूँ, don't mind. कितना टाइम हो गया शवरमा खा के? मेरे को याद है कॉलेज के टाइम, कॉलेज नहीं सॉरी, जॉब के टाइम पे जहाँ पे हम काम करते थे वहाँ से ही बाहर निकल के देयर वाज अ शवरमा जॉइंट, वी यूज्ड टू गो इन द इवनिंग समटाइम। एंड लाइक उसमें ऊपर से मेयो वगैरह डालते हैं। नहीं आसम। सिंगल बट रेडी टू मिंगल, विष्णु इज सेइंग। आप लोग, आई वांट पानी पूरी यार, याद मत दिलाओ प्लीज़, याद मत दिलाओ पानी पूरी। तो आई एम फ्रॉम बंगाल ना, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन बंगाल, सो आप लोग जानते हो कि बंगाल में ये पानी पूरी वहाँ पे पुचका बोलते हैं। पुचका बहुत बड़ा होता है एंड फिल्ड विथ वाटर एंड वेरी स्पाइसी एंड लाइक आई रियली रियली मिस दैट। उसके बाद तो यार बॉम्बे में या फिर हैदराबाद में ये सब जगह पे खाता ही था, इट वॉज अ रेगुलर थिंग। बट अब तो शायद 1 साल से ऊपर हो गया है, पैंडमिक के टाइम से पूरा ही बंद हो गया है। Whoever believed it, I am not single, I am married. I am married to Sunaina, who was already there on these streams. आके आप लोगों से बात भी करी है उन्होंने। कुछ दिन पहले हमने स्ट्रीम किया था जब हम रेड कर रहे थे चैनल्स को। So yeah, Mads Gamer, please go ahead and fill the form जिसका लिंक पिन किया हुआ है चैट में मैंने। वो फॉर्म भर दो। There is a session on 24th when I will be explaining everything about the program. 442 या 450 हो सकता है, आई मीन वी आर वेरी क्लोज, 450 कर सकते हैं इसको। आई एम बंगाली। ओ आदित्य नारायण, बांग्ला बोलते पारी भाई, तो लिखा पढ़ा जाने। और घर पे शोरशे बाटा वगैरह बनता है यार, शोरशे दिया माछ ये सब होता है। वैलेंटाइन स्पेशल डिजिटल आर्ट बनाओ। क्या बनाए आप बताओ? वैलेंटाइन स्पेशल डिजिटल आर्ट क्या होगा? वी कैन थिंक अबाउट इट। अच्छा आइडिया वैसे। वॉट एल्स? आप लोग में से कोई और फूडी है तो आप भी बता सकते हो। देख, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन एंड प्रॉपर नॉन वेज हार्डकोर मेरे को बहुत पसंद है। वैसे गाना गाते हो? नहीं यार, गाता नहीं हूँ, बट वापस वही गाना लगा देता हूँ। चलो, सुनैना कहती है कि मुझे गाना चाहिए, मतलब मैं कभी कभी ऐसी कुछ हम कर देता हूँ एंड शी सेज इट्स गुड, सो आई थिंक शी इज़ टू नाइस टू मी, वरना मैं लोगों के सामने कभी नहीं गाया। कॉम्पिटिशन ऑन वैलेंटाइन थीम। ओह, 2 people with pinkish backdrop both on swing। ये अच्छा आइडिया है। ट्रांसफॉर्मेशन के आइडियाज़ बताओ ना। आशीष जोशी सिंह, जेई एग्ज़ाम मैंने भी प्रिपरेशन किया है, मैंने भी सारी वो जो नाइट आउट नहीं मतलब समझो, सुबह से लेके कोचिंग क्लासेस में जाके, कोचिंग क्लासेस के बाद शाम के टाइम फिर स्टडी आवर्स में बैठ के रात तक पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करके संडेज़ को एग्ज़ाम्स देके और उनके रिजल्ट्स आने तक उस पेपर का इवैल्यूएशन करके ये सब कुछ किया है. सो आई हैव डन ऑल ऑफ दिस. हाँ हाँ किरकम बांग्ला बोले बोलता हूँ यार मैं. एंड घर में मैंने बोला ना अभी, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, खड़गपुर से हूँ, वहाँ का कल्चर का इन्फ्लुएंस है हमारे फैमिली में. आई टेल यू ऑल अबाउट इट. क्यूपिड इंडियन स्टाइल. ओह इंटरेस्टिंग यार. वैलेंटाइंस को लेके कौन सी सिंबल्स आती है, कौन सी चीज़ें होती है जो वैलेंटाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं? क्यूपिड होता है. अगर क्यूपिड को मैं इंडियन बना दूँ तो वॉरियर बन जाएगा कि वो तीर लेके किसी को मारने निकला है, ऐसा लगने लगेगा. द ग्रेट केंटो, व्हाट द प्राइस ऑफ योर कोर्स? यार कोर्स का प्राइस तो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं. दैट इज़ द ओनली रीज़न. आप सेशन में आ जाओ, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सेशन में. भाई साहब आई एम फ्रॉम खड़गपुर टू. क्या बात कर रहे हो सोहम बारिक? कोथाए बाबा कोथाए? न्यू सेटलमेंट एलएस टाइप में रहता था यार मैं. एलएस टाइप में अपना लास्ट रो है ना. इनफैक्ट एलएस टाइप में इंदिरा गांधी स्कूल एक है, वहाँ पे पढ़ता था मैं. और रुशेर थानोस इज सेइंग फ्रॉम मिडनापुर. क्या बात कर रहे हो यार, आप लोगों ने वो गलियाँ याद दिला दी मेरे को. उसके बगल में रावण मैदान था जहाँ पे दशहरे पे रावण जलता था. एंड घर से दिखता है, लाइक इट्स दैट क्लोज. सो टू किसिंग बर्ड्स. ओह दैट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया, दैट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया. वेयर डू यू लिव? आई मीन इन सिटी. अभी हैदराबाद में हूँ यार मैं. अभी मैं एरिया नहीं बताऊँगा. मैं भगवानपुर में रहता हूँ. ऑसम. अच्छा तो आप तो यार वो बंगाल में बांग्या संगीत परिषद और वहाँ पे जो आर्ट क्लासेस होती हैं वो करते होगे. मैंने वहीं से किया है एक्चुअली. आई यूज टू स्टडी संडे ड्राइंग क्लासेस, वहाँ पे सीखा है मैंने पहले. सो दैट आई डिड. स्कूल में बचपन से सेकेंड स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक वो किया. उसके बाद देन आई वेंट एंड डिड इंजीनियरिंग एंड अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिटीज़ में रहा. सो या युवराज सिंह थैंक यू. अरे वाई डोंट यू गाइस टेल मी वेयर यू आर फ्रॉम? बाकी सारे भी जो लव यू बैक. युवराज सिंह यू आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कानपुर. बिग फैन प्लीज टेक माई नेम. ओमकार शिंदे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. I will check Advita, I will check Insta. Big fan, please take my. I just took your name. Ramakala Ramu. Telugu maatladtanu nenu, nenu Telugu vanne kada basically. Na peru Venkatesh, so meeku aditya ardhamaipoli. माध्यमिक तक किया ड्राइंग में. ओह अच्छा, नाइस नाइस. तो आपको यार सोहन माध्यमिक तक किया है तो डिजिटल करना चाहिए यार. शुड डू डिजिटल. अनस्टॉपेबल आर्ट्स इज ज्वाइनिंग फ्रॉम पंजाब. Advita is joining from Bangalore. Sunena's parents are in Bangalore and all of her relatives and like जो भी close family है वो सारे लोग Bangalore से ही हैं. Bangalore OP चल रहा है comment में. हरियाणा वाला है कोई आर्मी में? कोई है हरियाणवी? Somebody asked me sometime back हरियाणवी language जानते हो क्या? बोलना नहीं जानता but I know that it has a very nice ring. जो language का बोलने का तरीका है ना बड़ा cool है यार, बहुत distinct है बाकी languages से. जयपुर से कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं. जयपुर आई हैव बिन टू जयपुर. और मैं आई थिंक इट्स वाज ओनली थ्री ईयर्स अगो. वो कौन सा होटल है यार वहाँ पर? द होटल इन विच वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मैरिड. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इट नाउ बट इट्स लाइक अ वेरी बिग वन जयपुर में. आप शायद बता सकते हो मेरे को वहाँ पे कौन सा स्टार होटल. इट्स लाइक अ ह्यूज वन. मेरे को मतलब आई वाज सरप्राइज. द वेडिंग वाज हैपनिंग, देयर वाज एलिफेंट्स एंड देयर वाज एवरीथिंग. सो आई एम लाइक ओ माई गॉड. जयपुर है तो जयपुर का सीन है बिल्कुल. मुंबई ओपी आई एम फ्रॉम केरला बट आई लिव इन दिल्ली. अच्छा केरला तो मैं कोड़िकोड में पढ़ाई की यार मैंने. आई लाइक ट्रैवलिंग यस बट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया. बस एक बार यूरोप ट्रिप किया है वो भी सुनैना के साथ शादी के तुरंत बाद. हमने सोचा अभी करेंगे वरना कभी नहीं हो पाएगा. सो वी वेंट फॉर लाइक 3 weeks. वी वर इन यूरोप फॉर 3 weeks एंड दैट वॉज लाइक वन मेमोरेबल टाइम. यहाँ उसके बारे में अलग से बात करूँगा मैं. मैंने मोनालिसा देखा यार. आई वॉज लाइक मेरे को लग रहा था कि सच्चा सपना है. मैं मोनालिसा मेरे सामने थी. लाइक आई वॉज लुकिंग एट दैट पेंटिंग एंड मैं उसके पास भी गया लाइक विच इज़ दैट वैन गो म्यूजियम गया. वैन गो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट तो वहाँ पे भी जाने का मौका मिला एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हो? ऑसम. सानिया रॉय थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. लव फ्रॉम पुणे। पुणे यार, पुणे इज़ वेरी पीसफुल। मैं पता क्या, हैदराबाद सॉरी बॉम्बे से पुणे की रोड पे जब भी जाते थे हम लोग, मैं जब काम करता था तो बॉम्बे पुणे का कभी कभी आना जाने का रहता था, तो चिक्की ज़रूर लेते थे और वो चॉकलेट मूज होता है कुछ एरियाज़ में बीच में रास्ते में, दैट वी यूज टू हैव, दैट्स क्रेजी, आई एब्सोल्युटली लव दैट। खाने की बहुत बात कर रहा हूँ नहीं मैं अभी, आप लोगों में से जो भी भूखे होंगे आपको लग रहा होगा क्यों इतने खाने की बात कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर पहचानते हो खड़गपुर का? भाई मेरे घर के पीछे था यार, क्या बात कर रहे हो सोहन बारिक। जगन्नाथ मंदिर है, उसके बगल में टीबी हॉस्पिटल पड़ता है, उसके बाद में जो रोड है उसके क्रॉस करते ही मेरा घर है वहाँ पे, सो दैट इज़ वेयर आई यूज्ड टू लिव। बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, लाइक लिटरली लेस देन अ किलोमीटर, जो जगन्नाथ मंदिर की बात कर रहे हो आप। सो या सर कौन सा शैम्पू लगाते हो? जो होता है वो लगा लेता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरा बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है अभी। सपुन सस्ता वेक्टर बनाता है कभी कभी, बनाओ ना यार, बनाओ जो भी आर्टवर्क बनाते हो, शुड लाइक यू शुड टोटली डू दिस फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन एंड यू विल गेट गुड। बालूरघाट वेस्ट बंगाल, यार बंगाल से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। रमाकाला रामू ओके मीर कूड़ा तेलियना नेनु कूड़ा तेलिगे मीदितेना अले हम मादितेना अले हम मनदितेना अले। आई जस्ट हैड माई डिनर चाहे तो ऑसम, मैं भी थोड़ा थोड़ा खा लिया यार आप लोगों से बातें करते करते। 11 बज लेकिन पार्टी अभी जारी है, 2 घंटे निकल चुके हैं। आई थिंक नाउ इज टाइम फॉर अस टू से बाय बाय एंड गुड नाइट। बिल्लियाँ बनाई आप लोगों ने, बनाई हुएवर मेड दिस, आई वांट यू गाइस टू गो अहेड एंड पोस्ट देम ऑन योर इंस्टा स्टोरीज, सेंड देम टू मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं देखूँगा और मैं उनको अपनी स्टोरीज पे शेयर करूँगा। यू नो मलयालम, नो या मलयालम इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव एवर बीन एबल टू लर्न। मैं कोड़िकोड में था लेकिन कोड़िकोड इज लाइक कॉलेज ना, तो IIM में था तो उस टाइम कॉलेज के अंदर ही रहते थे, ज़्यादा दुनिया के साथ इन द सेंस आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा नहीं हो पाया कनेक्शन। लव फ्रॉम बांग्लादेश, आई फराबी हुसैन, आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी आप स्ट्रीम पर थे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सर बिल्लू डॉगी बन गया, सानिया सिंह डॉगी बन गया, कोई बात नहीं उसको डॉगी बोल दो यार और क्या। हो गया, जो बना दिया उसको वही बोल दो बस, जो समझ में आ रहा है वो बना दो, नहीं समझ में आया उसको बोलो अपना मॉडर्न आर्ट है ये। बिल्कुल भाई आप बीबी के जैसे दिखते हो और बातें भी वैसे ही हैं। बीबी के कौन, आप भुवन बाम की बात कर रहे हो क्या? बीबी के जैसे दिखते हो, भुवन बाम की बात कर रहे हो, बातें वैसे ही हैं। ओ इज इट, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, लाइक ऐसे इन रियल लाइफ कभी किसी ने मिलके ये नहीं बोला कि भुवन बाम जैसी बातें कर रहा हूँ। But yeah, this is the first stream I stayed up all the time for. Awesome Advita, thank you for being here. Cute Billu, shout out dena, shout out to you J Gamer. Chalo, we will wrap up in another minute. If you guys have any questions, anything you want to say to me, we can talk, or else we'll call it a night. We are at 454 likes. That's amazing. Thank you so much, guys. Thanks a lot. This has been really amazing. I hope you guys learned something. आप लोगों ने बिल्लियाँ साथ में बनाई hopefully and we were talking all through. Likhit, hi. You are also in Hyderabad. I am also in Hyderabad. I am in Manikonda, that region. I think इतना ही बोलूँगा. Thank you. So many red hearts coming in. Thanks a lot, yeah. Thank you so much. Next stream पे क्या करना है वो ideas आप भेज सकते हो. इसके chat इस पे comments में लिख सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि next stream पे आपको क्या बनाने का मन है, है ना। अद्विता अरोरा, यू आर सेइंग हैप्पी डांस, हाँ पूरा चैट रेड हार्ट से भर गया है। ओ माय गॉड सर जॉइन, सॉरी आई जॉइन लेट। चिन्मय काले, वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग द स्ट्रीम और आप अब भी आए हो बस। यस यस, क्लोज करने से पहले एक बार छोटू सा हैप्पी डांस तो बनता है। सर फ्रॉम कोलकाता, ओ आप भी कोलकाता से हो तरुण। देर इज सो मेनी पीपल हु जॉइन फ्रॉम बंगाल, या बंगाल में थोड़ा आर्ट का वो कनेक्शन है, आई नो दैट बंगाल में थोड़ा वो है बिकॉज मैं भी वहीं से और वहीं पे सीखा हुआ है तो आई नो। युवराज सिंह सेइंग कम ऑन डिस्कॉर्ड आफ्टर दिस, एनी ऑफ यू गाइज वांट टू प्ले अमंग अस थोड़ी देर के लिए? मैं डिस्कॉर्ड पे जा सकता हूँ यहाँ से एंड वी कैन प्ले अमंग अस फॉर अ लिटिल वाइल, डिस्कॉर्ड पे खेल सकते हैं, क्या बोलते हो? जैसे कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस फॉर 100K, आप बेस्ट हो, कीप गोइंग, लव यू। थैंक यू सो मच विष्णु, थैंक्स फॉर सेइंग दैट। होपफुली हो जाएगा यार। कितने हो गए अभी, कितने हो गए? आई डोंट नो हाउ मेनी वी हैव रीच्ड राइट नाउ। 100K हो जाएगा। यस हो जाना चाहिए। पहले आप 12 बजे तक लाइव करते थे और अब 11 क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कराऊँ। और कुछ लोग होते हैं जिनको नींद आ जाती है, सोने लगते हैं, तो आई वॉन्ट टू एंड इट ऑन अ गुड नोट। अदरवाइज स्ट्रेच हो जाए तो फिर आप लोग फिर लगेगा कि इतना लंबा लंबा बिठा के रखते हैं, इसलिए दिस इज़ द रीज़न। कान्हा अग्रवाल, हाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 88.6 हो गया है, वाओ। 88.6 है, 86 हुआ है यार, 88.6 नहीं हुआ है, 86 हुआ है क्या? क्रेजी क्रेजी। यू आर ग्रेट इन यूट्यूब सर, प्लीज़ हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, थैंक्स अ लॉट। मोर आर्टवर्क्स कमिंग अप एंड 100K पे कुछ तो प्लान हो रहा है। मैं इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा ऐसे टीज़ कर रहा था क्योंकि कुछ प्लानिंग चल रही है। सो आप लोग तैयार रहो, सम नाइस थिंग्स आर कमिंग टू यू। एंड 100K हिट करते हैं, आई विल एक्सप्लेन, वी विल हैव अ स्मॉल समथिंग समथिंग, और नहीं। ओके चलो गाइस, इस वॉज ग्रेट फन। अगर आपको आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है, मुझसे सीखना चाहते हो स्पेसिफिकली, सो देर इज़ अ लिंक दैट आई हैव पिन्ड इन द चैट, यू कैन गो टू दैट लिंक, फिल इन योर डिटेल्स। करीब आई थिंक 700+ पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप भी आ सकते हो, मैं अपने प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल्स आपको दूंगा, आप मुझसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो सबके बारे में बताऊंगा, कोर्सेज क्या है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। उस दिन सेशन मत मिस करना, 24 को है। अंटिल देन छोटू सा हैप्पी डांस आपके लिए फुल स्क्रीन पर आकर, एंड देन वी विल कॉल इट अ नाइट। आया? यस। सो विद दैट सेड, हैप्पी डांस फॉर यू गाइस। आई थिंक स्टिंगर बीच में अटक गया था, बट एनीवेज वंस मोर हैप्पी डांस फॉर यू गाइस। Thank you so much. Thanks a lot for staying with me and supporting Artma Army. Thanks a lot. We will meet very, very soon in another stream. Until then, stay strong and keep creating.